नमस्कार, गुड इवनिंग, सुख संध्या, स्वागत है आप सभी का टारगेट बिथालो का इंस्टीट्यूट में। मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की शाम सीटेट और टेट की परीक्षा के उद्देश्य से हम लोग मैथ और साइंस का एक कंबाइंड जो सेशन लेकर आपके सामने है। इस सेशन की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी और उसमें हम लोगों ने गतिविधियां अलग अलग कम्बिनेशन के माध्यम से आपके सामने पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शित की। टेट सीटेट के लिए ये एफर्ट किए जा रहे हैं। सीटेट की परीक्षा जल्द आप देख रहे हैं आगे लगी हुई है। टेट की भी परीक्षा लगभग प्रस्तावित है और जल्दी ही आपको उसकी भी सूचना मिलेगी। इसलिए अपनी जो तैयारी थी, जो अभी इस बीच आपने तैयारी में कमियां दिखाई हैं और थोड़ा सा जैसे सुस्त हुए हैं लोग, तो अभी एग्रेसिव हो जाइए, फिर से जुड़ जाइए, जिससे कि हम लोग उस तैयारी को फिर से रिटेन कर ले जो भी पीछे आप लोगों ने किया था। नहीं तो बीच में जब लंबा गैप मिलेगा तो वहां पर प्रॉब्लम होगी। आज हम लोग इस सेशन के अंतर्गत फिर से मैथ और साइंस के प्रश्न रख रहे हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि हम मैथ के जो प्रश्न रखे हैं, साइंस वाले सर आपको डिटेल कर देंगे, जूनियर का प्रश्न उनका रहता है और टेट के हिसाब से भी उन्होंने प्रश्न को कलेक्ट किया है जो जीएस में पूछा जाता है, जो एसएसटी के सब्जेक्ट्स में पूछा जाता है बेसिकली। और मैथ का जो कम्बिनेशन है, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि प्राइमरी और जूनियर के स्तर का प्रश्न है और साथ साथ सीटेट के भी इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने रखा है। तो मैं आज के सेशन की शुरुआत करूंगा, तो सबसे पहले तो लाइव हो जाइए सभी लोग, जिससे कि हम लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को अच्छे से कवर कर सके। तो आप सबका लाइव रहना ये हमें ऊर्जा और एक अप्रोच देता है जिससे के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ते हैं। सभी का स्वागत है। मैं कुछ लोग के नाम के साथ सेशन की शुरुआत करूंगा। रमेश, अशोक, रजत, अंजलि, इसी बीच आप लोग अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, रेडी हो जाइए प्रॉपर, जिससे कि आप मैं प्रश्नों को शो करूं तो आप कैलकुलेशंस भी करें और उत्तर भी हमें देते जाइए। सभी का स्वागत है। अतुल, अंजलि, नरब्बा, मावना, सालनी, एलके, कौशल, नेहा, अतुल, शिवानी, अरविंद, दुर्गेश, दिलीप, सुधा, नेहा, सचिन, शुभम, नील, श्वेता, दिलीप कुमार, पूनम, सभी का स्वागत है। प्लीज जब इतनी संख्या में आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, हम लोग यहाँ पर आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को प्रारंभ करें। संभवतः आपने पेन कॉपी ओपन कर लिया होगा। मैं प्रश्नों से आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ। प्रश्न आपके, जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और जूनियर दोनों स्तर के हैं और साथ साथ सीटेट का, क्योंकि परीक्षा इस सबसे पहले सीटेट की है और अधिकतर लोग सीटेट का भी एग्जाम देते हैं, तो उसके स्तर के भी प्रश्नों को यहाँ पे रखा गया है। पहले प्रश्न में सरलीकरण का प्रश्न यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पर मेंशनड है। सरलीकरण के इस प्रश्न को आप लोग देखिए और इसको हल करने की कोशिश करिए। प्रश्न विजिबल होगा, नहीं तो मैं थोड़ी सी विजिबिलिटी इसके और बढ़ा देता हूँ, जिससे कि प्रॉपर आप लोग इसको देख पाए और हल करने की कोशिश करें। प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग ब्रैकेट्स में चीजें लिखी गई, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। -9 है और माइनस है और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटा ब्रेकेट लगा है, -8 लिखा है। इस ब्रेकेट को क्लोज किया गया, इधर एक ब्रेकेट ओपन किया, इसे 24 भागे यहाँ पर 13 -7 है जो कि 12 ब्रेकेट अर्थात रेखा कोष्ठक के अंदर का रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस पूरे ब्रेकेट को ओपन करना है और इस ब्रेकेट के साथ मैनेज करके हमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है। बॉर्ड मास बेसिकली हम सबको पता होगा और कई बार चर्चा में रखा गया है कि किसी भी सरलीकरण के स्तर के प्रश्नों में जब भी कभी हमें ब्रेकेट को तोड़ना, मतलब इस तरह की कॉम्बिनेशन फेस करने होते हैं तो ब्रेकेट तोड़ना होता है। ब्रेकेट में भी प्रायोरिटी देखनी पड़ती है, छोटा, मझला, बड़ा, इस हिसाब से रखते हैं। रेखा कोष्ठक की प्रायोरिटी सबसे पहले रहती है, फिर आप कहीं काम मिले तो उसका उपयोग तो पहले करते हैं जो कि गुणा ही होता है बेसिकली, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, जोड़ घटाव की प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हम इस ब्रेकेट के अंतर्गत गए। यहाँ पे रेखा कोष्ठक में दो वैल्यू आपको दिख रही है, दो वैल्यू 13 -7 है, तो मैं इसको सीधा सीधा यहाँ पे 6 लिखूंगा। 6 से मैं इस 24 को भाग करूंगा तो 4 आएगा। ये -8 था, +4, अब आप देख रहे हैं एक संख्या नेगेटिव एक पॉजिटिव, जाहिर सी बात घटेगा लेकिन सिंबल किसका लगेगा, सिंबल लगेगा जिसकी अमाउंटिंग बड़ी है। इस माइनस को जैसे ब्रेकेट के बाहर लाएंगे तो +4 हो जाएगा और यहाँ पर आपको -9 दिया गया। फिर वही चीजें है जैसे यहाँ पे हल हुआ है, 9 से 4 निकलेगा 5 होगा बट साइन नेगेटिव लगेगी, तो इसका उत्तर आपको -5 समझ में आ गया होगा। -5 राइट सोल्यूशन है, सी ऑप्शन में आपको दिया है। आप सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा और सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन हो जाइए। मुझे नहीं लगता है किसी को डाउट होगा, एक बार फिर थोड़ा समझ ले। रेखा कोष्ठक होल्ड किया, जैसे जनरली तो हमारे दिमाग में चलता है पहले भाग है, नहीं, ये अलग एक कॉम्बिनेशन है। 13 से 7 निकला 6, 6 ने 24 को भाग दिया तो 4, 4 को लेकर इधर आए, -8 +4 तो -4 हुआ, -4 को इसके साथ जैसे ही अप्लाई किया तुरंत +4 हो गया और -9 +4 को आप हल करेंगे तो आपको 5 मिलेगा और नेगेटिव सिंबल के साथ। तो पहले प्रश्न का हल है, पहला प्रश्न आपने कंप्लीट किया। दूसरा प्रश्न आज के सेशन का मैथ विषय का हम लोग यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। ये देखिए आपको एक थ्योरेटिकल प्रश्न और खास करके इस तरह प्रश्न परीक्षाओं में आपने देखे होंगे, तो मैं ओपन कर रहा हूं, मैं प्रश्न मैं एक बार रीड करता हूँ, आप लोग ट्राई करो कि हल कर सके इस प्रश्न को। दो संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब दिमाग में रख लीजिएगा कि अंतर केवल घटाव को नहीं कह सकते, दो संख्याओं का अंतर मतलब किसी से भी किसी को घटाया जाता है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक संख्या ए है
और हम दूसरे के साथ उसका अंतर अगर शो कर रहे हैं तो भी मुझे इस तरह से यहाँ पे इसको लिखना चाहिए जिससे दोनों के बीच का डिफरेंस आप समझ पाए। अंतर इसने 5 दिया है, प्रोडक्ट हमको मतलब प्रोडक्ट अर्थात गुणा उनका 36 दिया है। हमसे कहा उनके व्युत्क्रमों मतलब अगर एक संख्या को आपने ए माना था दूसरे को बी माना था तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपसे पूछा गया। ये देखिए व्युत्क्रमों का अंतर, वी नीड टू कैलकुलेट दिस अमाउंट। अधिकतर लोग यहाँ पे उत्तर भी दे रहे हैं, जो लोग उत्तर दे पा रहे देखिए लगातार हमें सी ऑप्शन आप उत्तर प्रोवाइड कर रहे हैं तो मैं इसको हल करता हूँ। देखिए आपसे रियली ये पूछा गया है 1/a डिफरेंस 1/b, मैंने यहाँ पे घटाव नहीं लिखा, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर इसको आप घटाएंगे तो b इधर जाएगा a इधर जाएगा, तो आप चाहे b डिफरेंस a बोलिए चाहे a डिफरेंस b बोलिए दोनों का मतलब सेम होता है। अंतर हमेशा दो राशियों के बीच समान माना जाता है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। b डिफरेंस a डिवाइड बाई ab, यही नियम बनेगा अगर हम सिंपल से घटाव की प्रक्रिया को यहाँ पर फॉलो करें। अब आप देखो जो मैंने कहा चाहे b डिफरेंस a हो चाहे a डिफरेंस b हो दोनों की जगह हमें 5 लिखना पड़ेगा और ab की जगह हम लोग को यहाँ पर दिया गया अमाउंट 36 लिखना पड़ेगा। तो 5/36 आपने सभी लोगों ने हमें जो उत्तर दिया सी ऑप्शन, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और सीधा सीधा आप लोग इस प्रश्न का हल कर सकते थे बिना संख्याओं को ज्ञात किए। दूसरे प्रश्न का उत्तर जिसमें दो संख्याओं का अंतर दिया था, दोनों का प्रोडक्ट दिया था, उनके व्युत्क्रमों का अंतर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। व्युत्क्रमों का अंतर आपने देखा कि हमारे सामने 5/36 अर्थात अंतर ऊपर रख दीजिए और प्रोडक्ट नीचे रख दीजिए तो उत्तर आपको 5/36 जो किसी ऑप्शन में अवेलेबल है मिल जाएगा। तीसरे प्रश्न पर मैं आ रहा हूं, ये देखिए एक तीसरा प्रश्न आपको लगभग सभी डिविजिबिलिटी से रूबरू करा देगा, जो भाज्यता का नियम होता है उससे रूबरू करा देगा। इसने कहा कि 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बताइए, इनमें से वह संख्या कौन सी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित है, मतलब 1 से भी विभाजित है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से भी है, 8 से भी, 9 से भी है, फाइनली 10 से भी है, वो सबसे डिविजिबल है। आप लोग उत्तर बताया हमें, मैं जानना चाहता हूं कि आपके उत्तर, देखिए लगातार हमें उत्तर सी ऑप्शन दिख रहा 2520 अक्सर लोग मुझे उत्तर बताया। अच्छा एक बात उसने और लिखा, वो भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, उसने कहा सबसे छोटी संख्या, तो हमारी नजर पहले यहीं से जाएगी 100 से, लेकिन हम लोग थोड़ी भाज्यता के बारे में चर्चा कर ले। दुनिया की कोई संख्या 1 से विभाजित हो जाती है, चाहे जो संख्या होगी सब 1 से कटती है, तो हमें 1 को लेके कोई डाउट नहीं। 2 से कटने के लिए संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, अब आप नजर उठाइए तो सब 2 से कट रहे हैं, सारी की सारी संख्याएं 2 से कट रही है। 3 से कटने का मतलब है संख्या के सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटे, अंकों का योग 3 से कटे तो वह संख्या 3 से कटेगी। थोड़ा ट्राई करके देख लीजिए, 3 से कटने का मतलब अंकों का जोड़। पहली चीज तो भाई ये गायब है, क्योंकि मैंने शुरुआत यहीं से करना था, ये भी गायब है क्योंकि देखिए इनके सभी अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 5, 4, 9 ये कट रहा है, 5, 2, 7, 2, 9 ये कट रहा है, तो हमारे पास ये दो संख्या ऐसी आई जिनके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा था। तो अभी 2 में हमारा कंफ्यूजन है, 2 ऑप्शन हम लोग खत्म कर चुके हैं। 4 की बात किया जाए तो संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान से देखना अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से कटने चाहिए। अंतिम 2 अंक अगर आप नोटिस करिए ये भी 4 से कट रहा है और ये भी 4 से कट रहा है, अर्थात दोनों संख्या 4 से कट रही है। 5 का मतलब है अंतिम अंक, याद रखिएगा अंतिम अंक जो होना चाहिए वो आपका 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अभी आप देखो ये भी 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा। 6 से कटने का मतलब संख्या 2 से कटनी चाहिए और 3 से कटनी चाहिए। तो अभी आपने 3 के बारे में चेक ही कर लिया था, 2 के बारे में चेक कर लिया, तो संख्या 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, अर्थात 6 से भी कट रही है। 7 से कटने का मतलब, 7 से कटने का मतलब आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक सूत्र होता है, नियम होता है, आप अंतिम अंक का 2 गुना करते हैं और बची, या हम ऐसे कर सकते हैं जैसे अब यहां पर हम उसको 7 से कटने के अर्थ में हम लोग उसकी यूनिट डिजिट भी डिसाइड करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे देखिए 7 × 7 49 हो रहा है, 7 × 2 = 14, ये 7 से कट जाएगा, 7 × 3 = 21, 7 × 6 = 42, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 से दोनों कट जा रहे हैं। अब रही बात 8 की, 8 को मैंने चेक किया तो देखा यहाँ पर अंतिम 3 अंक, नियम ये होता है कि अंतिम 3 अंक जो होते हैं अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं, तो इसके भी अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, इसके भी अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं। अब ये देख लिया 8 × 6 = 48 और 4 × 8 = 40, ये तो कट ही रहा है। 9 से कटने का मतलब सभी अंकों का जोड़, जैसे 3 का नियम होता है उसी प्रकार से इसका भी होता है, सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, ये भी 5, 4, 9 हो रहा है, ये भी 5, 2, 7, 2, 9 हो रहा है। 10 से कटने का मतलब अंतिम अंक पे 0 होना चाहिए, ये भी 10 से कट रहा है, मतलब ये दो संख्याएं हमारी है जो 5040 है और 2520 है,
ये ऐसी दो संख्याएं ऑप्शन में दी गई थी जिसने हमें इतना इफर्ट कराया और इस इफर्ट से आपने कई जानकारियां भी गैदर करी। ऑलमोस्ट सभी भाज्यता को आपने चर्चा में रख लिया, एक समरी हमने बना दी, एक ब्रीफिंग हमने कर दी। लेकिन हमसे जो लाइन लिखी थी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, संख्याओं में से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। तो मैं इसको तो ले नहीं सकता भाई, आप हैं, आप इफर्ट कर रहे हैं, आप कैपेबल हैं, बट आपको सॉरी आप नहीं आ सकते हमारे साथ, क्योंकि हमको सबसे छोटे की तलाश थी। तो सबसे छोटा 2520 है और आप में से जितने लोगों ने हमें उत्तर सी ऑप्शन दिया है ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर आपके इस प्रश्न का माना जाएगा, सी ऑप्शन सही उत्तर इस प्रश्न का माना जाएगा। सात की विभाज्यता के लिए कुछ लोग हमसे चर्चा कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, सात की विभाज्यता के बहुत सारे सिस्टम है। जैसे भाई यहाँ पर आप शून्य छोड़ ही दीजिए, 504 को ही देख लीजिए, शून्य छोड़ दीजिए 252 को ही देख लीजिए, आप खुद ही कैपेबल है, इतना चीजें हैंडल कर सकते। नहीं तो जैसे मैं एक बताता हूँ कि अंतिम अंक का दो गुना करिए, बची संख्या से घटाइए। अभी मान लो चार का दो गुना करता 8 आता, बची संख्या से घटाता तो 42 आता, 42 सात से कट रहा है तो संख्या का 7 से कट रही है। अंतिम अंक का दो गुना करो 4 आए, 25 से घटा दो 21 हो गया, 7 से कट जाएगा। इस तीसरे प्रश्न ने कई सारी जानकारियां हमको दी और संभवतः वो सारी जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है और ये अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से गैदर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। तो तीसरा प्रश्न सही और इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन देके आगे बढ़ रहा है। चौथे पर आपको बढ़ाया मैंने, अगर पिछला सेशन आपको याद होगा तो इकाई के अंकों पर चर्चा की थी। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जब कभी आपको नंबर्स के दिए जाए जहां पे उन संख्याओं से संबंधित जोड़ घटाव की बात की जाए, गुणे की बात की जाए, बेस पावर की बात की जाए और आपसे यूनिट प्लेस की चर्चा की जाए कि आप यूनिट प्लेस उनका बताएं। मेरे सामने कुछ संख्याएं दी गई जैसे 119 है, 118 है, मैं गुणे क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि लिखा है गुणनफल, इसलिए मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। 117 है, 116 है, मतलब एक तरह से सिक्वेंशियल संख्याएं हैं बट इस तरह से दी गई है और आपसे पूछा है किसकी इकाई का मान क्या होगा। इकाई के मान के लिए आपको इन संख्याओं को पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, आप इनके यूनिट प्लेस को ही गुणा करिए। 9 गुणे 8 72, मतलब अंतिम में 2 रखिए, 2 गुणे 7 14, मतलब 4 रखिए, 4 गुणे 6 24, मतलब अंतिम में 4 ही होगा। इस संख्या के अंत में 4 आएगा, ये बहुत इजी टास्क होता है। सेम प्रोसेस हमें जोड़ने में भी अप्लाई करना है, सेम प्रोसेस घटाने में भी अप्लाई करना है और सेम प्रोसेस गुणे में भी अप्लाई करना, जो नियमता होता है। जैसे आप अंतिम अंकों को ही टारगेट करिए, जोड़ का प्रश्न रहे जोड़िए, घटाओ करे घटाइए और गुणे करे तो गुणा करिए और यूनिट को ही टारगेट करिए, यूनिट को ही लीजिए जिससे कि आप तुरंत उत्तर बता सके। चौथे प्रश्न का हल आपके सामने है, 4 ही है, चौथे प्रश्न का हल 4 ही है और इस प्रश्न का सही उत्तर भी है। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक व्यक्ति है, देखिए पूछा गया प्रश्न है और पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से ऐसे प्रश्नों पर, क्योंकि लिखे बहुत रहते हैं ना जब शब्द, तो कहीं ना कहीं हमें डाउट देते हैं, तो आप जब लिखे प्रश्नों को देख करके घबराया ना करा करिए, बस केवल और केवल उस पर अपना ईमानदारी भरा प्रयास करिए जिससे कि हम हल कर सके। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे रुपए 5/3 की दर से खरीदे, रुपए 5/3 मतलब 3 अच, देखिए यहाँ पर कॉस्टिंग, पहले खरीदने की बात किया जा रहा है, 3 अंडे खरीदने के लिए उसने 5 रुपए दिए, 3 अंडे 5 में खरीदे, तो आप ही बताओ 1 अंडे कितने में खरीदा होगा, 5/3 में। समझ रहे हैं हमारी बातों को। अब बेचने गया वो, बेचने गया तो देखिए लिखा है उसने रुपए 12/5 की दर से अंडे बेचे, मतलब 5 अंडे उसने बेचे हैं और रुपए 12 अर्जित किया है, मतलब 1 अंडे के लिए 12/5 रुपए लिया है ग्राहक से। और इस प्रक्रिया में आप स्पष्ट हैं कि उसको देखो ये उसकी कॉस्टिंग है, ये लागत है और ये तुमने उसको जो है विक्रय है, मतलब इतना उसने अचीव किया है। तदनुसार यदि उसने कुल 143 रुपए का लाभ प्राप्त किया, यहाँ पे लाभ लिखना चाहिए, लाभ प्राप्त किया हो तो उसके खरीदे अंडों की संख्या कितनी थी। अच्छा, लाभ किसी भी व्यापार में तब होता है जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, मतलब आपने जितना अचीव किया है वो आपकी लागत से ज्यादा होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एसपी से सीपी को हटाना चाहिए। तो आप करिए 12/5 - 5/3 करिए, 12 + 36 और 25 से अगर निकालेंगे तो 11/15 हो जाएगा, मतलब घटाइए 12 + 36, 5 + 25, 25 × 11 = 36 होता है और यह लाभ 143 के बराबर है। आपको खरीदे गए की संख्या बतानी है अर्थात एक का मान निकालना है, एक का मान निकालने के लिए 11 से इसको काटिए, 11 × 11 = 11, 11 + 33 15 से गुणा करिए, 15 + 45 = 4, 15 × 15 = 19, अर्थात उसने 195 अंडे खरीदे थे। ये उस प्रश्न का हल है, सी ऑप्शन आपको दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का सही है, करेक्ट आंसर इस प्रश्न का सही है सी ऑप्शन 195। मैं फिर एक बार कंफर्म कर देता हूँ,
सावधानी बरतेंगे। इस प्रश्न में आपको कहीं दुविधा नहीं दिखेगी। जब खरीद रहा था तो उसने, मैंने इस तरह क्लास में कई बार चर्चा की है, एक दुकानदार जो कई सारी वस्तुओं को थोक में खरीदता है और बेचता है, तो ये निर्धारित होता है, फिक्स होता है। जैसे कुछ चीजें हमेशा उसकी प्रायोरिटी पे रहता है कि हमेशा खरीदते समय उसे प्रयास करना चाहिए कि वह ज्यादा वस्तुओं को कम दाम में खरीदे, और बेचते समय उसका प्रयास ये होना चाहिए कि कम वस्तुओं को ज्यादा दाम में बेचे, तभी उसको फायदा होता है। यही हुआ है यहाँ पर। उस दुकानदार ने जब खरीद रहा था तो 5 रुपए में 3 अंडे खरीद रहा था, और जब बेचने गया, और इकट्ठा खरीदा उसने, जब बेचने गया तो उसने 12 रुपए में 5 अंडे बेचे, मतलब कम, मतलब एक तरह से पैसे ज्यादा अचीव कर लिए। फायदा तो तभी होता है ना जब इंसान, दुकानदार अपनी लागत को कम वस्तुएं ही बेचकर अचीव कर ले। जैसे खूब सारी पेंसिल खरीद कर लाए, पेन खरीद कर लाए कम दाम में, और उसको जब बेचना शुरू करे, कुछ ही पेंसिल बेचने पर उसकी लागत निकल जाए। जब तक लागत नहीं मिलती तब तक दुकानदार को लाभ थोड़ी होता है, जैसे ही लागत उसकी मिलती है अब आगे से बेचेगा तो उसको फायदा हो। यही हुआ है, ये लागत थी, ये अचीव था, दोनों का डिफरेंस लाभ है, और इस लाभ को कंपेयर किया और हमने खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बता दी। तो आपके इस प्रश्न का हल आपने नोटिस किया होगा, मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप ईमानदारी से देखे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा। साधारण ब्याज के इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आमतौर पर पूछे जाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपको स्पष्ट समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर देने की कोशिश करें। साधारण ब्याज की किसी दर पर, मतलब किसी दर मतलब दर अननोन है, जो कि आर प्रतिशत है, जो कि आर बटे 100 लिखी जाती है, आमतौर पर आप जानते ये दर होती है। धन का 10 वर्ष, मतलब समय क्या दिया है आप देख लीजिए, समय दिया है 10 वर्ष, समय दिया है 10 वर्ष में ब्याज जो है, ब्याज उस धन का 2/5 होगा। तो जो 2/5 है, इसमें दो, इस लाइन से हमें समझ में आई ये बातें कि ब्याज उस धन का 2/5 होगा, मतलब अगर वह ब्याज 2 है तो धन 5, मतलब ऐसे कह सकते हैं आप कि अगर हमने 5 रुपए का निवेश किया था तो हमें 2 रुपए का ब्याज मिला था। हम 10 वर्ष में इस निवेश के दौरान इस तरह की ब्याज यहाँ पर अचीव किए हैं, मुझे उस दर की राशि पता करनी, मतलब कितने प्रतिशत की दर थी यहाँ पर। साधारण ब्याज से संबंधित सारी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, यह प्रतिवर्ष समान होता है, इसमें जो इंक्रीज होता है, जो वृद्धि होती है जब आप निवेश कोई करते हैं, तो टोटली डिपेंड करता है 2 चीजों पर, दर पर और समय पर। किस पर निर्भर करता है? दर पर और समय पर। दर आपकी 10% है, जो आर बटा 100 होती है, समय 10 है। मैंने हमेशा ऐसे ही कराया कि आप इसको मर्ज कर दीजिए, तो आर बटा 100 गुड़े आप 10 कर दें, 10 दहम में 100 है, आर बटा 10 हुआ, आर बटा क्या हुआ 10 हुआ। ये हमेशा मैंने कहा कि इसको आप एसआई माना करिए, उसको प्रिंसिपल माना करिए। तो मैं लिख दूं यहां पर आर बटा 10 बराबर 2/5, साफ साफ वही चीज कंपेयर किया गया है, 5 × 2 = 10, 2 × 2 = 4, आर बराबर 4%, 4% यहाँ पर आपके इस प्रश्न का हल है, जो कि पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो पहला ऑप्शन 4% इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, प्लीज नोट कर लें, 4% ब्याज दर है, और ऐसे प्रश्नों का हल करना आपको क्लियर करना चाहिए, मतलब जिससे आप कर सके ऐसे प्रश्नों का हल। छठा हमने डन किया, सातवें पर पहुंच रहा हूं मैं। सातवें पर देखिए, आप यहां पर इस लाइन को पूरी तरह से पढ़िए और इस पर चर्चा करते हुए हम लोग इसका उत्तर दे लें, जिससे कुछ जानकारियां भी हम लोग अचीव कर लें और इस तरह के प्रश्नों का उत्तर भी आराम से दे पाए। किसी समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के बारे में आप जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक समांतर चतुर्भुज एक प्रकार का ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती है। समान तथा क्या होती है? समांतर होती है। समांतर अर्थात उनके बीच की दूरी अंतर समान हो, और समान का मतलब बराबर हो। ये आपका एक रेक्टेंगल आयत कहलाता है, आयत कहलाता है जब उसी चतुर्भुज की सभी संगत भुजाएं बराबर तथा समांतर हो, तो आयत हो जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखना है कि इनके जो संगत कोण होते हैं बराबर होते हैं, एडजेसेंट कोण सब 90 डिग्री के होते हैं, जुड़े जितने भी कोण होते हैं शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हैं वो सब 90 होते हैं। और उसकी सभी भुजाएं अगर समान हो, सभी भुजाएं क्या हो समान हो, तो वही आयत क्या होता है एक वर्ग बन जाता है। आयत क्या हो जाता है? एक वर्ग बन जाता है। 90 डिग्री का कोण होता है प्रत्येक के साथ, और सभी भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होती हैं। अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजा बराबर है और सभी कोण समकोण है, आप देखिए सभी कोण समकोण है, इस फिगर को हम एक वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? एक वर्ग कहेंगे। हमेशा यह फिगर आपका एक वर्ग अर्थात स्क्वायर कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण समकोण है, 90 डिग्री है, तो वर्ग। एक बात और दिमाग में रखिएगा,
सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, और सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सभी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। याद रखना, सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो सभी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी आयत वर्ग नहीं होते, सभी आयत वर्ग नहीं होते, ठीक है, और सभी समांतर चतुर्भुज भी आयत नहीं होते, तो सभी समांतर चतुर्भुज भी वर्ग नहीं होते। ये दिमाग में रखना आप लोग, ये ऐसी कोई कंडीशंस आए जिससे कि हम लोग अगर संबंधित लाइन को कहीं किसी प्रश्न में फेस करें तो उत्तर एटलीस्ट दे सके, इतना एफर्ट हमारे अंदर हो, इतनी क्षमता हमारे अंदर हो। होप्सो मेरी बातें समझ में सबको आई होगी, और इसको आप लोग नोट करते चलिएगा और लिखते जाइएगा जिससे कि जरूरत पड़े तो हम लोग उपयोग कर सके और भी प्रश्नों में। जरूरी नहीं कि एक प्रश्न का मतलब एक ही प्रश्न हम टैकल करें, हम और भी प्रश्नों में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये आठवां नंबर हमारे सामने है, प्लीज सभी लोग ध्यान से देखें और खुद से हल करने की कोशिश करें जिससे कि समय बचे और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर देखिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन है और हम लोग को भी इस सेशन के दौरान ये फील करना होता है कि आप कितना क्रिएटिव है, कितना एक्टिव है सेशन के लिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करते रहना चाहिए, जिससे हम में से प्रत्येक सदस्य जो हमसे जुड़ करके इस सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं उनको भी और हम सभी को भी एक एनर्जी और ऊर्जा मिले, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए प्रत्येक लोग सेशन को शेयर करना चाहिए, प्रत्येक लोग को और लाइक करना चाहिए, बाकी आपकी स्वेच्छा है, मैं किसी कोई प्रेशर ऐसा नहीं, कोई दबाव नहीं। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूं अगला प्रश्न आठवां। सबसे पहले बात एक त्रिभुज की जा रही है, एक त्रिभुज, तो त्रिभुज के कोणों से संबंधित यहां पर बातें हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक जानकारी ये होनी चाहिए कि त्रिभुज के सभी सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। एक कॉमन सी बात है और आमतौर पर सभी अभ्यर्थियों को पता होती है कि कोई भी त्रिभुज होगा उसके सभी अंतः कोणों का जोड़ 180 अंश होता है। अब आगे चलिए, इसमें क्या बोला है कि जो कोण है वो संबंधित है, जैसे ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, इस प्रकार से परस्पर इनके बीच संबंध बना है। आप देखिए, कहा है कोण जो बी है ए से दुगुना है, तो हम तीन बार यहाँ पर कोणों को, तीनों कोणों को ऐसे लिखते हैं, और मैंने बी को बीच में इसलिए लिखा है, ये भी हमारी यहाँ पर पॉलिसी ही है, मैंने तरीका सोचा है, क्योंकि बी आप देख रहे हो तो एक बार ए से संबंधित है और सी से भी संबंधित है, जो दोनों से संबंधित होता उसी को हम लोग बीच में लिखते हैं। आपने देखा कि बी ए का दुगुना था, तो अगर बी ए का दुगुना था तो ए अगर एक होगा तो बी दो होगा, जबकि सी जो है बी का तीन गुना है, जिसका मतलब अगर बी एक होगा तो तीन होगा। अब अगर हम इनको मतलब इनके बीच परस्पर एक अनुपातिक रिलेशन संबंध बनाना चाहते हैं, तो बी दोनों में है तो इसी को बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए अगर आप इसको दो से गुणा करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा, इधर भी मुझे करना पड़ेगा, तो एक संबंध इनके बीच बनेगा एक दो और छह का, ये अनुपातिक रिलेशन बनेगा तीनों कोणों के बीच में। अब क्योंकि योग दिया है और अनुपातिक संबंध दिया है, हमसे कोण ए की माप बोला है, तो मैं आराम से कर सकता हूं। इसके लिए आपको सभी कोणों के अनुपातिक मानों का जोड़ करना चाहिए, 6, 2, 8, 1, 9, 9 की वैल्यू 180 की कंपेयर करनी चाहिए, 1 का मान 20 हो जाएगा। 1 हमसे इसलिए पूछा है, 1 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोण ए इसने पूछा था। मान लो अगर हमसे कोण बी पूछा होता तो 2 लिखता, कोण सी पूछा होता तो 6 लिखता, किसी का अंतर पूछा होता तो अंतर कर देता, योग पूछा होता तो योग कर देता, जो कहता हम उसी को करते और बी ऑप्शन अपने इस प्रश्न का सही उत्तर हम बना के आगे बढ़ जाते। तो बी ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, इस कोण के इसमें आठवें में आपने नोटिस किया होगा कि कोण ए का मान 20 डिग्री है। होप्सो ये बातें मेरी आप तक क्लियर हो रही होंगी और चीजों को समझ रहे होंगे। हम आठवां कवर कर चुके हैं, हम लोग नौवें पर पहुंच रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, सीटेट का एक अच्छा प्रश्न है और पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। सबसे पहली चीज तो सारी लाइंस को ध्यान से पढ़िए, जब ज्यादा लिखा रहता है तो मैं बार बार कहता हूँ कि डाउट बनता है दिमाग में, बट उस समय अगर हम संतुलित रहते हैं तो हम रिस्पॉन्स अच्छा कर पाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, ध्यान रखना है सही नहीं है, सही होने की बात नहीं कर, सही नहीं है। 3 घंटे 14 मिनट, 3 घंटे 14 मिनट बराबर 194 सेकेंड। अब आपको पता है कि 1 घंटा बराबर 180 मिनट होता है, सॉरी ये देखो क्या लिख दिया मैंने, 1 घंटा बराबर 100, ऐसा थोड़ी होता है, 60 होता है, वो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, इतना कॉन्फिडेंस था। तो 3 घंटे बराबर आप समझ रहे हैं 180 हो जाएगा, 180 में 14 जोड़ेंगे 194, मतलब ये सही है, हमको सही नहीं लेना है। 2 किलोग्राम 30 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है और 2 किलोग्राम बराबर 2000 होगा, 2000 में आप 30 जोड़ देंगे 2030 होगा, ये भी सही है।
3 लीटर 80 मिलीलीटर, आपको पता है कि 1 लीटर बराबर 1000 लीटर होता है, और यहां पर लिखा 380, ये गलत है। बाकी इसमें देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर की लंबाई तथा 0.1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि यह क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अगर 10 सेंटीमीटर हम भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल लेते हैं तो कितना होगा, 10 का वर्ग मतलब 100 होगा, और एक आयत जिसकी लंबाई अगर हम 100 मान ले और चौड़ाई को अगर हम 0.01 लिए हैं, जिसको हम भी 1/2 हम लोग कितना कर देंगे, 1/2 भाई, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये मीटर है जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इतना गुणे 100 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब 0.01 को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 100 गुणे 1 कर देंगे तो इसी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये भी सही है, ए भी सही है, पहला दूसरा और लास्ट सही है, सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन केवल गलत है। तो आपने देखा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा, क्योंकि 3 लीटर और 80 मिलीलीटर जो होगा 3080 होना चाहिए था मिलीलीटर, 3080 होता तो ये भी सही हो जाता, यहाँ पर ये लाइन गलत लिखी है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बाकी आपने देखा कि सभी के सभी लाइनें यहाँ पर करेक्ट उत्तर दे रही थी। ये हमारा 9वां हो चुका है, हम बढ़ रहे हैं और 10वें की तरफ हम आगे आ रहे हैं। 10वां देखिएगा आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, एक आयताकार बक्सा, बक्सा देखा होगा स्टील का होता है, जस्ते का होता है, हाँ पहले आजकल तो अलमारी का प्रचलन है, बक्से होते थे पहले घर में बड़े बड़े, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, उस बॉक्स के आंतरिक जो भी सामान रखेंगे अंदर रखते हैं, बाकी उसका कबर्ड और नीचे का बेस सब कुछ होता है, अलग मैटर है, लेकिन बॉक्स की जो लंबाई है चौड़ाई तथा ऊंचाई, देखो बॉक्स की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया है 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई उसकी दिया है 6 सेंटीमीटर, 6420 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। अब देखो एक बक्सा जो मार्केट में अवेलेबल था इस मेजरमेंट का था, मेरे पास कुल इतने क्यूब्स थे, घन थे, घन समझ रहे ना आप लोग, घन मतलब सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसा एक क्यूब टाइप का सिस्टम है, जैसे आप घनाकार चीजें समझते हैं डाइस की तरह होता है, इतने घनों को रखने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी, तो जाहिर सी बात है इस दौरान हम घनों मतलब बक्सों की संख्या अगर निकालना चाहेंगे तो जो घनों का आयतन है 6,240, इसको डिवाइड कर देंगे 10×8×6 से, मतलब जो बक्से के आयतन से डिवाइड कर देंगे। अब बक्से के आयतन से डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहां पर पहले तो शून्य खत्म कर दें, अब उसके बाद देखिए 6 से काट दें, 6×6 = 24, 8 से काट दें, 8×8 = 24, 13 बक्सों की आवश्यकता होगी, 13 की आवश्यकता होगी। आप सभी लोग पहला ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 13 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही हल हो जाएगा, जो हम लोग 10वें ऑप्शन में देख रहे हैं, 10वें प्रश्न में देख रहे हैं, आप 13 बक्से यूज करेंगे इन मेजरमेंट्स के, इतने घनों को होल्ड कर पाएंगे, ये हमारे इस प्रश्न का हल है। आप लोग 10वां कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक के सेशन में, 30 प्रश्नों में हमने 10 आपका डन कराया है, अभी हम 11वें से आगे बढ़ रहे हैं। 11वां प्रश्न देखिएगा आपके सामने, एक भिन्न से संबंधित प्रश्न है, इस तरह के प्रश्नों को लेकर हम समीकरण का प्रोसेस जानते हैं एकेडमिक में, जब एकेडमिक में पढ़ते हैं, हालांकि यहां पर हम चाहेंगे तो ऑप्शन की मदद से प्रश्न को जल्दी हम टैकल कर लेंगे, हल भी कर लेंगे। मेरे पास जो ऑप्शन है मैं उसको यहां लिख देता हूं, देखो 2/5 दिया है और 1/3 दिया है, 4/9 दिया है और अंतिम दिया है हम लोग को 1/9। प्रश्न क्या है, किसी भिन्न का हर जो है वो अंश के दुगुने से 1 ज्यादा है, जो हर है अंश के दुगुने से 1 ज्यादा है, आपको पता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये फॉर्मेट होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, दिस इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। इस प्रश्न में हमसे बोला है कि जो हर है अंश के दुगुने से 1 ज्यादा है, इससे एलिमिनेट करिए, देखिए कोई हो रहा है, 2×2=4 = 5, 1×2=2=3, 4×2=8=9, 1×2 बस केवल 1 खत्म हो रहा है, अभी तक ऊपर वाला नीचे वाला खत्म हो गया, 1 ऑप्शन अभी तक एलिमिनेट हुआ है, बाकी सब नहीं हुए। आगे पढ़िए, इसने कहा अंश में यदि दो जोड़ूं तथा हर में तीन घटाऊं तो वह 1 हो जाता है, ऐसा है क्या, नहीं गलत है। इसमें देखिए इसमें भी 2 जोड़िए और 3 घटाइए, बेकार हो जाएगा, ठीक है, इसमें 2 जोड़िए तो 6 होगा, 3 घटाने पर ये आपका 6 होगा, तो 6/6 बेसिकली 1 होगा। इस समय हम लोग इसके सी ऑप्शन को अपना आंसर मानेंगे। ऑप्शन की मदद से ऐसे प्रश्नों को हल करना ज्यादा उपयुक्त और अच्छा माना जाता है, तो आप भी प्रयास करिए कि ऐसे प्रश्नों के लिए ऑप्शन का ही सहारा लीजिए, कोई और एकेडमिक प्रोसेस पर मत जाइए,
इलिमिनेट करने की कोशिश करिए, ऑप्शन को खत्म करने की कोशिश करिए। जैसे जैसे कंडीशन तर्क दिए जाएं, उसी तर्क का उपयोग करते हुए ऑप्शन को फिनिश करते जाइए। आपके अंतिम समय पर एक अपने रिक्वायर्ड जो हमारा उत्तर है वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं। थोड़ी सी गंभीरता और जैसे एक सहजता दिखाएंगे तो आप चीजों को अच्छे से कर पाएंगे। यह है 12वां नंबर। आप इस 12वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग उत्तर दें और हम इसको जो है जस्टिफाई कर लें, इसका उत्तर यहां पर क्या होगा। यहां पर लिखा गया है, बहुत चर्चा हम लोग इस पर नहीं करेंगे, लेकिन इस पर हम लोग बस इतना सा समझेंगे कि इसका उत्तर क्या माना है। 20वीं सदी के सर्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे। 20वीं सदी की बात हम लोग यहां पर कर रहे हैं, अभी तो हम 21वीं सदी में हैं। स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे, किस ऑप्शन को आप किसको ले रहे हैं यहाँ पे मुझे बताएं। यहाँ पर लगातार लोग सी ले रहे हैं, हम भी यहाँ पर आपके आपको जस्टिफाई करेंगे, आपको क्लियर कर दे रहे, कंफर्म कर दे रहे। श्रीनिवास रामानुजन एक आइडियल पर्सन, एक अच्छा व्यक्तित्व, गणित के विषय को लेकर के इनको माना जाता है भारतीय गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति 21वीं सदी के अंतर्गत। तो 12वें का सी ऑप्शन करेक्ट है और आप सभी लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट सही थे। अधिकतर लोगों का उत्तर हमें यहाँ पर 12वें का सी ऑप्शन ही मिला था। यहाँ पर हम संख्या से संबंधित कोई चर्चा है, हम लोग चेक कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, कथन की बात किया जाए। यहाँ पर संख्याओं को लेकर के बात की जा रही है। सबसे पहले इसने कहा कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। सही को सोचिए, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, क्या है सही है गलत है। भाज्य संख्या मतलब वह संख्या होती है जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो, कम से कम तीन गुणनखंड हो, मतलब वह स्वयं से कटे, स्वयं से कटे और एक से कटे, इसके अलावा भी किसी अन्य एक संख्या से कटे, वही भाज्य है। जैसे चार है, चार देखो एक से कट रही है, चार से कट रही है और दो से भी कट रही है। ऐसे छह है, नौ है। अभी देखो आप लोग यहां पे जो लाइन, अच्छा विषम क्या होता है, वह संख्या जो दो से नहीं कटती है, जैसे संख्या एक हो, तीन हो, पांच हो, सात हो, नौ हो, ये संख्याएं आपकी ऑड है, विषम है। अभी आप इसमें जैसे नौ को सोचिए, तो नौ देखिए तीन से कटती है, एक से कटती है, नौ से कटती है, यह एक भाज्य संख्या तो हुई ना, मतलब विषम के साथ साथ यह भाज्य भी है। पहला ऑप्शन तो कंफर्म है भाई, हम यहां से छोड़ के नहीं हटेंगे, हम आपको रिलेट कराएंगे कि और ऑप्शन भी आप ध्यान से देखिए क्या उनके बारे में कुछ बातें सही कही गई कि नहीं। पहली लाइन तो कंफर्म हो गई हम लोग को कि कोई भाज्य संख्या विषम होती है। हमने कई बार इसको पब्लिकली क्लास में चर्चा में रखा होगा तो आप सहमत रहे होंगे, विषम संख्या मतलब भाज्य संख्या विषम हो सकती है। 15 देखिए, 21 देखिए, स्वयं तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं से कटती है, इसलिए हम लोग उसको विषम और भाज्य दोनों बोलते हैं। कोई सम अभाज्य संख्या, अरे यार ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर है, गलत है। सम संख्या से ही अभाज्य की शुरुआत होती है। अभाज्य आप जानते हैं वह संख्या है जो कि जिसके केवल ही दो गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो वही अभाज्य है। जैसे दो है, सबसे पहले शुरुआत ही इसकी सम संख्या से होती है, मतलब लेकिन ये भी है कि दो के अलावा कोई सम संख्या भाज्य नहीं होती है, अभाज्य नहीं होती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, दो तीन पांच सात ये आप जानते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। अब आप खुद ही सोचो, कभी है तीन ले लीजिए, पांच ले लीजिए, जोड़ दीजिए क्या आया, आठ आया, सम संख्या आई, मतलब भाज्य संख्या आई, ये भी गलत है। सबसे छोटी संख्या एक है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जो है ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है, याद रखिएगा, क्योंकि एक का केवल एक गुणनखंड होता है। अभाज्य की दो गुणनखंड की रिक्वायरमेंट होती है, भाज्य के लिए कम से कम तीन गुणनखंड की आवश्यकता होती है। बी सी डी सब गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है, तो आप पहले ऑप्शन को अपना उत्तर बना ले और सही आंसर यहाँ पर इस प्रश्न का लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। एक सटीक जानकारी इससे आपको मिली है तो नोट करते रहना चाहिए, जिससे कि हम लोग कन्फर्म कर लें ऐसे प्रश्नों को। आइए, हम लोग के सामने एक प्रश्न है। जब समांतर माध्य, समांतर माध्य ध्यान से देखिएगा, समांतर माध्य बराबर 146 दिया है, समांतर माध्य बराबर 146 दिया है। इसके बाद इसने हमको कहा है कि माध्यिका जो है, माध्यिका, माध्यिका 130 है, बहुलक, बहुलक अर्थात मोड बताना है। देखिए ये तीनों आपको अच्छे से पता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की तीन बेसिक पैटर्न होते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसी आंकड़ों के लिए, किसी ऑब्जर्वेशन के लिए। तीनों का उद्देश्य एक ही होता है, तरीके अलग अलग होते हैं। हमसे तीनों में एक संबंध के बारे में चर्चा हम सबसे पहले कर लेते हैं।
आप पढ़े होंगे कि मोड बराबर, आपने हमने कई बार भी बताया, मोड बराबर 3 × median माइनस 2 × मीन। ये रूल आपने पढ़ा होगा कि 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, ये संबंध होता है इसका मोड को निकालने का। तो आपने इस फार्मूले का उपयोग कर लीजिए, मीडियन अर्थात दिया है हमको 3 × हम 130 कर दें, माइनस हम 2 × 146 कर दें। चलिए ये हो जाएगा आपका 0, 3 × 9, 3 × 1 = 3, माइनस 2 × 9 = 18, ठीक है, 2 × 9 = 18, हाँ तीन गुड़े, हाँ 2 × 4 = 8, 1 = 9 और 2 × 1 = 2, 10 से 8 = 2 हुआ, और यहाँ पे 10 से 9 = 1 हुआ, 1 हुआ, 112 कितना उत्तर, 98, 146 है, ओ सॉरी हमने गलत किया भाई, सॉरी इसके लिए, क्योंकि 146 से मैंने 100 क्या लिखा था, हाँ 146 है। चलिए 2 × 146 कर देंगे, 2 × 12, आप लोगों ने देखा, अच्छी बात है, 2 × 4 = 8, 1 = 9, 2 × 1 = 2, काट दीजिए, देखा घटाइए, 10 से 2 = 8 हो गया, और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 18 से 9 हो जाएगा, तो 98 आएगा पहला ऑप्शन, एकदम सही आप लोग, तो ओ सही है। सूत्र आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि मोड अर्थात बहुलक बराबर 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य। प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला, एकदम सही, हमने उसमें 148 लिखा था, जल्दबाजी में कभी कभी हड़बड़ाहट में आप डिजिट को, इसमें एक प्रश्न बनता है, कभी हम लोग 32 को 52 लिख देते हैं, सॉरी 32 को 23 लिख देते हैं, आपने देखा होगा कि इसकी जगह ए लिख दिया, और लिखना क्या होता पता है, यही होता है जो उल्टा लिख देते हैं लोग, तो कहीं कहीं कंफ्यूजन में लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, इसमें एक प्रश्न बनता भी, आपने सुना होगा, गलतियों पर आधारित, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं और ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। 98 इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, इस फार्मूले को प्लीज नोट करिएगा सभी लोग। आगे मैं बढ़ता हूं, दो वृत्तों की परिधियां दिया है, उनका अनुपात दिया है, परिधि कोई सर्कल से संबंधित कुछ जानकारी आप गैदर कर लें, ए रेडियस है मतलब त्रिज्या इसकी क्या होती है, आर होती है याद रखना, ब्यास मतलब डबल आर, 2 आर होता है, और परिधि मतलब इसके बाउंड्री की लंबाई, मतलब इसका एक तरह से परिमाप कह सकते हैं जो बेसिक फिगर में होता है वो 2πr होता है। हमको दो वृत्त दिए हैं जिसकी C1 और C2 में जो संबंध है वो 3:1 का है, 3:1 का है, हमसे उनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बारे में पूछा है, एरिया आप दिमाग में रख लीजिए πr². मैं आपकी एक बात, एक जानकारी मैं आपको दे दूं, जो संबंध त्रिज्याओं में होगा वही व्यासों में होगा, वही परिधियों में होगा, मतलब ये तीनों एक तरह से बिहेव करते हैं। अगर आपको त्रिज्याओं का भी अनुपात दिया होता, आपको व्यासों का दिया होता, आपको परिधियों का दिया होता, चाहे जिसका देता, अगर हम क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे कहते, क्योंकि आपको पता है कि πr² πr² त्रिज्या की दृष्टि में होगा, तो व्यास को भी अगर हम उसी तरह से त्रिज्या की तरह ही रोक के चले, लेके चले, तो कोई गलत नहीं है, मतलब सीधा सीधा 9 और 1 लिख सकते हैं आप लोग। भले आप समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में चल रहा हो कि पहले हम इसको त्रिज्याओं की तरह कन्वर्ट करें, भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि 2πr₁/2πr₂, ऐसे भी लोग सोचते हैं, बराबर 3:1। अब ये तो खत्म ही है यार, वही तो त्रिज्याओं का भी अनुपात होगा ना, जब r₁ r₂ इतना है तो πr₁² और πr₂² क्षेत्रफलों का अनुपात, पाई पाई से तो कोई मतलब ही नहीं ना, तो 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1। तो मैंने आपसे ये बताया कि ध्यान में रखना कि चाहे हमें परिधियों का अनुपात दे, चाहे व्यासों का दे, चाहे हमें त्रिज्याओं का दे, पहली चीज तो तीनों परस्पर बराबर होते हैं, चाहे व्यासों का दिया है तो वही परिधियों का होगा, त्रिज्याओं का दिया है तो वही, मतलब सब बराबर होते हैं, लेकिन क्षेत्रफलों का अगर निकालना है इनके रिस्पेक्ट में तो सीधा सीधा वर्ग कर दिया करिए, आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पता चल जाएगा। ये हमारे 15वें का कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन 9:1 इस प्रश्न का सही हल है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक, इस प्रश्न का सही हल आपने नोट किया, 15 हमने डन किया, अभी हम बढ़ रहे हैं 16वें पर। आइए 16वां प्रश्न देखा जाए, हाँ 16वां प्रश्न देखा जाए, बहुत आराम से हम लोग इसको कर लेंगे, इसमें भी आपको मैं बहुत ज्यादा फंसाऊंगा नहीं, लेकिन प्रश्न तो समझना पड़ेगा। 16वां नंबर देखिएगा, किसी समकोण समद्विबाहु, समकोण समद्विबाहु मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसके दो समान भुजाओं के बीच का कोण समकोण होता है, दो समान भुजाओं के बीच का कोण समकोण, जिसको हमने क्या दिखाया यहाँ पर, कर दिया है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, अच्छा परिमाप किसी भी फिगर का हमेशा क्या होता है, परिमाप किसी भी फिगर का हमेशा क्या होता है, उनके
सभी भुजाओं का जोड़ होता है। अगर मान लो हम कह दें कि ये भुजा ए है, ये भुजा ए है और इसको बी मान लें, एक तरह से आपको जो दिया है ना ट्वाइस ए प्लस बी दिया है, क्या 4√2 + 4। अब इसने हमसे कहा स्कर्ण, मतलब यहां पर 90 डिग्री के विपरीत भुजा जो असमान है उस कर्ण का मान हमसे पूछा गया है, कर्ण का मान हमसे पूछा गया है। मान लो मैंने कहा चलो कर्ण 4 है, क्योंकि हम सबसे पहला प्रयास यही करें कि इसी में से जो है उसी को एक को लिया जाए। मान लो हमने कर्ण को 4 लिया, तो जाहिर सी बात है 4√2 को दो भागों में बांटेंगे, 2√2 आएगा, 2√2 आएगा। अब आपको पाइथागोरस का नियम आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का वर्ग 4 का वर्ग 16, शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 4 × 8, 2 × 4 × 8, 8 × 8 = 16 के बराबर है। तो इसका अर्थ है कि इसका कर्ण 4 ही होगा। मतलब इसलिए मैंने कहा अगर आप समीकरण का मदद की हेल्प लेंगे ना तो फंस जाएंगे, दिक्कत होगी। तो सीधा सीधा हम लोग यहां पर इस तरह के प्रश्न का हल करने की कोशिश करें। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, परिमाप क्योंकि 4√2 + 4 दिया था, प्रोसेस ये बेस्ट है, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, अच्छा समझ रहे ना, किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 था। मैंने कहा परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़, कर्ण मतलब वह भुजा जो कि असमान होगी, सबसे बड़ी। मैंने यदि कर्ण को यहां से 4 लिया तो यहां से तो बिल्कुल अलग कर दीजिए, मतलब बचेगा 4√2, या दोनों का जोड़ होना चाहिए। भाई हमने यहां पर देखो मेंशन किया 2a + b होगा, इसको आपने 4 कंसीडर किया है, तो जाहिर सी बात है 2√2 होगा, बराबर ही होगा दोनों। अब इनका वर्ग करा तो 8 8 आ रहा है, इसके वर्ग तथा 16 के बराबर है। सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर हम पहला ऑप्शन ले सकते हैं, यही करने का तरीका है और यही तरीका हम लोग को अप्लाई करना चाहिए इस तरह के प्रश्नों में। मुझे पूरा भरोसा है कि आपने समझा होगा। 17 नंबर देखिए, एक और अच्छा प्रश्न आपके जो है कहते हैं सांख्यिकी की बेस है, मैं इसको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। किसी बंटन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें हमें आंकड़े दिए होते हैं और आंकड़ों के साथ साथ उसकी बारंबारताएं दी गई होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि 0 to 10 एज का अगर मान है, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 की वैल्यू हमें दी जाती है, का जो बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक मतलब मोड, अभी हम लोगों ने चर्चा किया था बहुलक से संबंधित, मोड ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी। आपको मैं इसके बारे में पढ़ाते समय भी चर्चा किया हूं, ध्यान में रखिएगा, हम ग्राफ का उपयोग करके यहां पे अगर हम वर्ग अंतराल रख दें, वर्ग अंतराल रख दें और यहां पर हम बारंबारता रख दें, ठीक है, हम इनका उपयोग करके हम लोग यहां पर मोड अर्थात बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। इसमें कहा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा। आप याद रखिएगा हमेशा मीडियन अर्थात हम लोग यहां पर माध्यिका निकाल सकते हैं, वो जो बारंबारता वक्र बनती है उसके माध्यम से हम केवल मीडियन निकाल सकते हैं। आवृत्ति बहुभुज बिल्कुल नहीं किया सकता, उसके माध्यम से हम केवल आंकड़ों को एनालाइज कर सकते हैं। आयत चित्र, आयत चित्र का मतलब आपको मैं समझा दूं कि जब कभी भी आपको इस तरह की कोई डेटा इंफॉर्मेशन दी जाए तो हम लोग टेबुलर फॉर्म में डेटा को ऐसे अरेंज करते हैं, हिस्टोग्राम बनाते जाते हैं, ऐसे ऐसे बनाते जाते हैं कि आयत चित्र में जो सबसे मैक्सिमम होता है उसको इस किनारे मिलाते हैं और इनके इंटरसेक्शन को यहां मिलाते हैं, यही मोड बनता है। जैसे कभी आपको कोई वर्ग अंतराल दिया जाए, कोई बंटन दिया जाए, तो सबसे पहले उसको हिस्टोग्राम की तरह लिखिए, हिस्टोग्राम बनाना जानते हैं, उसको लिखिए, हिस्टोग्राम में जो सबसे बड़ा आयत बनता है उसके दोनों किनारों को मिला करके, मतलब इसको इससे मिला के जहां इसका इंटरसेक्शन नीचे मिला दीजिए, वो जिसको टच कर जाए वही आपका मोड अर्थात बहुलक है। तो हम आयत चित्र का उपयोग करके हम अर्थात बहुलक ज्ञात करते हैं। तो 17 का यहां पर सही उत्तर आपका क्या होगा, आयत चित्र होगा। याद रखना से अधिक होगा से कम होगा, दोनों का उपयोग हम लोग संचयी बारंबारता का उपयोग मतलब हम लोग यहाँ पर मीडियन से संबंधित चीजों को अप्लाई करने के लिए करते हैं, आवृत्ति चित्र का उपयोग नहीं करते, आयत चित्र का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन इसका प्रश्न और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जा सकता है, अगर मिला तो कंफ्यूजन आपको देता है, मुझे लगता है कि आपको उसको तैयार रखना चाहिए जिससे कि आप प्रश्न फेस करें एग्जाम में उत्तर एटलीस्ट देकर आए, संभावित प्रश्न है और अच्छा है और आप लोग उत्तर देने की स्थिति में है अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है। अगला प्रश्न देखिएगा, गीता, इसको पढ़िए। गीता 5 किलोमीटर प्रति घंटा, गीता जी की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन्होंने क्या किया, एक समान चाल से चलकर 42 मिनट में घर से विद्यालय पहुंची हैं।
गीता जी अपने घर से निकली और विद्यालय पहुंची हैं। इस दौरान इनकी जो चाल रही है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा रही है और इस दूरी को उन्होंने 42 मिनट में तय किया है। हमें इस दूरी को बताना है कि यह दूरी कुल कितनी है, डिस्टेंस कुल कितनी है। तो डिस्टेंस अर्थात दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल गुणे क्या होता है? समय होता है, पता है आपको। बट यहां पर चाल देखो तो किलोमीटर प्रति घंटे में है और समय मिनट में है। तो पहला फोकस ये करिए कि इस मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कर लें, 42/60 बना दें। कभी भी मिनट को घंटे में लाने के लिए आपको 60 से भाग करना होता है। चाल 5 ही रखिए, इसको 42/60 कर दीजिए। 4, 5, 12 बार और देखिए 42 और 12 है तो आप देखिए 4 × 12 हुआ, सॉरी 4 से जाएगा नहीं, ये जाएगा आपका 6 से, 6 × 12 हुआ, 6 × 7 = 42 हुआ, यह हुआ 7/2 अर्थात 3.5 किलोमीटर। अर्थात गीता जी के घर से उनके विद्यालय की दूरी 3.5 किलोमीटर की थी। 3.5 किलोमीटर ये सही उत्तर है। इस प्रश्न का आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। मुझे लग रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इस तरह के चाल दूरी समय पर आधारित प्रश्न हमको मिले तो हम एटलीस्ट कवर कर सके। और बहुत स्तरीय नहीं आता, बहुत बड़ा कुछ इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अगर आप लोगों ने इस टाइप से ही प्रिपरेशन करी है तो इतना आपके लिए सफिशियंट है। आइए हम लोग 19 नंबर की बात करते हैं। चाल दूरी समय का एक ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है और पूछा जाता है अधिकतर स्थितियों में। यहाँ पर कार्य कुशलता के विहार पर प्रश्न आपसे पूछा गया है। मैंने पिछली क्लास में भी इससे संबंधित एक प्रश्न लिया था, आज भी मैं ले रहा हूँ। एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। भाई सबकी अपनी एक कार्य करने की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है। उसी क्षमता के आधार पर हम किसी कार्य को डन करते हैं। मेरी क्षमता अगर ज्यादा है तो मुझे समय कम लगेगा, किसी की क्षमता अगर कम है तो उसे समय ज्यादा लगेगा। डिपेंड करता है आपकी क्षमता पर आपका कार्य समय। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। क्षमता एक्चुअली बताती क्या है, समझिएगा कि आपने एकांक समय, यूनिट समय में कितना कार्य किया। जैसे मान लो अभी आप पीछे आपने गीता वाला प्रश्न पढ़ा तो गीता जी अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, इसका मतलब अब वो चाहे जितनी दूरी को जितने समय में तय करें लेकिन उनकी इफिशियंसी चलने की 1 घंटे में 5 किलोमीटर, वही उनकी क्षमता है। अगर किसी की एफिशिएंसी या उन्हीं की एफिशिएंसी बढ़ जाए तो समय घट जाएगा। यहां पर भी वही दिया है कि एक किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। उत्तर देते जाइए, जिसका भी हो जा रहा है उत्तर देते जाइए और फालतू की इधर उधर की गतिविधियों में और ना बात करें, आप उत्तर देते जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, यहां पर हम लोग इफर्ट कर सके। अच्छा, ए की तुलना में जो बी है ना वो 60% अधिक कार्य कुशल है। ए की तुलना में जो बी है वो 60% ज्यादा कार्य कुशल है। तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, जैसे 60% को हम चाहे तो ऐसे भी रिलेट कर दें, इसको थोड़ा भिन्न में लिखें, 3/5 कह सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 60/100 लिखेंगे 3/5 होगा। मतलब अगर इसकी क्षमता 5 है, इसकी क्षमता 5×3 कितनी होगी, 8 होगी। अब देखो, समझ गए होंगे आप लोग, यहाँ पर ए कम एफिशियंट है, बी ज्यादा एफिशियंट है। इसका मतलब ए को जितना समय लगा है उसकी तुलना में बी को कम समय लगेगा। कहा गया ए किसी काम को 12 दिनों में करता है, प्रतिदिन 5 काम करके वह 12 दिनों में कितना काम करेगा, 5×12। प्रतिदिन 5 काम करके 12 दिनों में 5×12 काम करेगा। इसको डिवाइड कर दीजिए अगर हमें बी का पता करना है, क्योंकि बी एक दिन में 8 काम करता है तो डिवाइड हमको 8 से करना होगा। प्रश्न पढ़ते जाइए। ए उसकी क्षमता क्या थी, अभी हम निर्धारित करेंगे। 12 दिनों में किसी काम को करता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। 60% मतलब 3/5, मतलब हमें समझ गए अगर यह ए की क्षमता है इसमें 3 जोड़ दें तो बी की क्षमता 8 की हो जाएगी, यही लिखा मैंने। अब इसकी क्षमता 5 की, मतलब एक निर्धारित समय में 5 काम करता है 12 दिनों में, तो जाहिर सी बात 5×12 टोटल काम 5×12 हो गया। इस काम को आप बी से कराना चाहते हो जिसकी क्षमता 8 है, तो 4×2 = 8, 4×3 = 12, 3×5 = 15/2, 15/2 कितना होता है, 7.5। मतलब अगर हम बी से करवा उससे बी से करवाएंगे तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मतलब यह काम अब केवल 7.5 दिनों में ही पूरा हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 19 का सही हल है, आप देख रहे हैं 7.5 दिन। अगला प्रश्न देखिएगा, यहां पर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज का एक स्तरीय प्रश्न है, ध्यान से देखते जाइएगा और हल करिए। अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक जिसे देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज सतत प्रक्रिया को फॉलो करता है। सतत प्रक्रिया मतलब लगातार, जैसे ब्याज पर ब्याज मिलता है। अर्धवार्षिक जब कभी कोई ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है, पहले दिमाग में रख लीजिएगा, जब कभी अर्धवार्षिक ब्याज का कैलकुलेशन होता है, इसका मतलब हर 6-6 महीने पर ब्याज का निर्धारण किया जाता है। आमतौर पर जब वार्षिक ब्याज हम लोग सोचते हैं तो
एक साल के अंत पे ब्याज जोड़ा जाता है मूलधन में और उसको नए साल के लिए प्रिंसिपल बनाया जाता है। लेकिन अगर हम अर्धवार्षिक कैलकुलेशन करते हैं तो हर 6-6 महीने पे प्रिंसिपल को अपडेट करते हैं। याद रखना, जब भी कभी अर्धवार्षिक कैलकुलेशन होगा तो दर जो है वो आधी हो जाती है। दर क्या होती है? आधी हो जाती है। और समय जो होता है वो दुगुना हो जाता है। इसको दिमाग में रखना, कॉपी में लिखना। और मुझे पता है कि आप सब लोग जो है इतना कैपेबल हैं अर्धवार्षिक की स्थिति को समझने के लिए। अब जैसे इस प्रश्न में दर अगर 20% है तो यह दर अर्धवार्षिक के लिए 10% हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में ये 10,000 रुपए जो कि मूलधन है 13,310 मतलब अमाउंट बन जाएगा। 13,310 अर्थात अमाउंट बन जाएगा। अमाउंट मतलब जो मेन राशि जिसमें ब्याज जुड़ कर आता है उसका मान होता है, याद रखना, उसका मान होता है प्रिंसिपल 1+ दर/100। ये सूत्र होता है। अब अगर आप लोग यहां पर इसकी जगह पर 13,310 रख दीजिए, इसकी जगह पर 10,000 रख दीजिए, इसकी जगह पर 1+ दर कितना है 10, 10/100 1/10 हो जाएगा। समय की जगह पर, क्योंकि समय अगर आप यन मानोगे हम इसको 2n लेंगे। कितना लेंगे? 2n लेंगे। और यही समय हमको पता करना है। आप समझ गए होंगे 2n क्यों लिखा है, क्योंकि आपको बताया जाता है कि दर यहां पर जब आपने दर को आधा किया था समय को दोगुना करना पड़ेगा। इसका एक शून्य चाहे तो खत्म कर दीजिए, 1331/1000 कर दीजिए, बराबर 10^11/10^2n हो चुका है। इसको भी आप लिख सकते हैं 11/10^3, क्योंकि 11 का घन होता है 1331 और 10 का घन होता है 100, बराबर 11/10^2n हो गया। अब अगर आधार बराबर होते हैं तो घातों को बराबर कर दिया जाता है, तो 3/2n कर दीजिए। यहां से n का मान निकालेंगे 3/2 आएगा, मतलब 1 सही 1/2 वर्ष आएगा। डेढ़ साल पहले ही ऑप्शन में दिया गया है और यही इस प्रश्न का है। डेढ़ साल नोट कर लीजिए कि दिस इज द राइट सोल्यूशन, इज ए बेस्ट क्वेश्चन। अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न आपका था, यहाँ पर बड़ा था थोड़ा सा, लेकिन दिमाग अगर लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न आप इजीली हल कर सकते हैं। ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन ज्यादा थी। एक्सप्लेनेशन में आपने चीजों को ज्यादा देखा होगा, अन्यथा प्रश्न तो बहुत छोटा था, आप यहीं से देखकर निर्धारित कर सकते थे। ए 11 का घन होता है, 10 का घन होता है, और ए आपको 10/11/10 बना ही देगा, तो 3/2 वही क्लियर था, डेढ़ आना था उत्तर। अगर जो लोग समझ रहे हैं ओरल बता सकते हैं, कोई खास इतना टाइम टेकन नहीं था। 20वां आपने डन किया, पहले ऑप्शन को आप टैकल कर लीजिए, इसका उत्तर बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, प्रिज्म देखा होगा आप लोगों ने, त्रिभुजाकार प्रिज्म मतलब ये है, ये मान लो त्रिभुज है और हम इसका बेस अभी देख रहे हैं, हम आपको इसका ऊपरी हिस्सा दिखाते हैं, ये ऊपरी हिस्सा है, इसको इससे मिला दें, अलग कलर से कर देता हूं, इसको इससे मिला दे। देखो ये आधार नीचे वाला भाग रहा होगा, ए वाला जो सेक्शन हम ले रहे हैं नीचे वाला भाग है, ए वाला सेक्शन ऊपर वाला भाग है, ठीक है। इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, ये त्रिभुजाकार प्रिज्म बन गया ना। आप देख रहे हैं जो ब्लैक वाला हिस्सा है जमीन पर है और ए वाला ऊपर है, शीर्ष पूछा है हमसे, शीर्ष मतलब वर्टेक्स, 3 नीचे है और 3 ही ऊपर है, कुल मिला के 6। कुल मिला के कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो इस तरह से अगर हमसे त्रिभुजाकार प्रिज्म के शीर्षों की बात करेगा तो आप 21 के हिसाब से हमको 6 बना दीजिए, करेक्ट आंसर है। ऐसे हम चतुर्भुज का भी प्रिज्म के रूप में लिखा सकते हैं, और भी पंचभुज को भी दिखा सकते हैं, खड़भुज को भी दिखा सकते हैं। तो प्रिज्म आपने देखा है, इस तरह के फिगर का ये सही आंसर है। आगे दिखाता हूं मैं, अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर होगा। ये प्रश्न है आपका, हाँ ये भी एक अच्छा प्रश्न माना जाएगा, पूरी विजिबिलिटी। यस, अब आप देखो यहां पर इस प्रश्न का भी हल करने की कोशिश करिए। किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन मतलब कमी, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? कमी होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था, 3 साल पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य ₹1,45,800 है, इसे कितने में खरीदा गया था, मतलब प्रारंभिक मूल्य इसका हमसे बताना है। 10% की दर से कमी है, इसको कुछ ऐसे सोचेंगे, 10% को आप 1/10 लिख दीजिए, लिख सकता हूं, मतलब इसका ये कहने का अर्थ हो गया कि अगर पहले का मूल्य और बाद के मूल्य को हम कंपेयर कर लें, कुछ ऐसे मैं दिखाऊंगा। देखिए जैसे 10% मतलब 1/10, मतलब कहने का सेंस ये है, अगर मूल्य 10 रहता है 1 घटकर 9 हो जाता है, 10 रहता है 1 घटकर 9 हो जाता है, 10 रहता है। अभी आप कहोगे सर 3 बार क्यों? क्योंकि 3 साल पहले की बात है,
अगर ये 2 साल होता तो 2 बार करते, 3 साल होता 3 साल, 4 साल होगा 4 साल, जितना लिखा रहेगा उतनी बार करना पड़ेगा। अगर यही वृद्धि हुई होती तो 10 में 1 जोड़कर 11 हो जाता है। बाद मतलब अभी, बाद मतलब जो अभी है, और ये वर्तमान मूल्य आपका दिख रहा है कितना है, 1,45,800 हमको यहां वाला मूल्य बताना है। चलिए अब आप लोग बताइए उत्तर, कितने लोग कंफर्म कर रहे हैं हमें बी ऑप्शन। हाँ अब देखो हम 9 × 9 × 9 729 होता है, इतना तो भाई 9 का घन तो दुनिया पर आपको कई बार चर्चा में रखा है कि हाँ कंफर्म करना। डिवाइड कर दीजिए इसको इससे, यह हो जाएगा 200, 2 बार जाएगा। 10 × 10 × 10 ये 1000 होगा, और 1000 में आप 200 का गुणा कर दें तो 2 के बाद 50 हो जाएगा, 50 मतलब 2 लाख। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है जो कि 22 में दिया है। 22 का 2 लाख रुपए मतलब उसका प्रारंभिक मूल्य 2 लाख था, 10% की दर से कमी होते होते 3 साल में उसका मूल्य 1,45,800 रुपया हो गया, जो हम स्वीकार कर चुके हैं। 22 के बाद हम पहुंच रहे हैं 23 पर। ये देखिए 23 नंबर आप लोग देखिए और खुद ही से उत्तर बताने की और बनाने की कोशिश करिए, मैं इसको चर्चा में 2-1 मिनट रखूंगा। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण मतलब जो आप अचीव करते हैं उसकी यहाँ पर एक्टिविटी, उसका एक निरीक्षण किया जाए। नैदानिक परीक्षण अर्थात ऐसी परीक्षण की बात की जाती है जो जो चीजों को विश्लेषित करने, या छात्रों के अंतर्गत अगर हम सोचे तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी कमियों को ऑब्जर्व करना, उनकी एक्टिविटी को फोकस करना, इस पर डिपेंड करने वाला है। में अंतर किस पर डिपेंड करता है, उद्देश्यों पर, प्रकृति का, कठिनाई स्तर का, इनमें से कोई नहीं। क्या उत्तर है पहला ऑप्शन, हम भी सहमत है आपकी बात। उद्देश्यों में इनका अंतर उद्देश्यों का होता है, जो ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। अगर हम उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण के डिफरेंस की बात करेंगे तो इनका अंतर जो है वो उद्देश्यों का अंतर निर्धारित किया जाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव जो आपका है उसमें अंतर होता है, इनके दोनों के ऑब्जेक्टिव में अंतर होता है। और आप सभी लोग की बात से मैं सहमत हूँ, आप मेरी बात से भी सहमत होंगे। हम लोग यहाँ पर 24 पर पहुंच रहे हैं, ये ज्यामिति का प्रश्न है और 2 सरल समांतर रेखाओं की बात की जा रही है। 2 समांतर रेखाएं आप देख पा रहे हैं, विजिबिलिटी आपकी इशू ना हो इसलिए मैं फिगर को रीड्रॉ कर देता हूँ। 120 डिग्री यहाँ पर दिया है, देख लेना ये वाई है, 110 है, ये भी देख लेना ए है, सी है, क्यू है, एन है, एम है, एक्स डिग्री दिया है, बी है, डी है और पी है। आपने देखा कि 2 समांतर रेखाओं को एक सरल तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद, 2 सरल रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। इसमें संबंध क्या होता है कि संगत कोण बराबर होते हैं, जो एकांतर अंतर बराबर होते हैं। अभी मैंने पीछे कुछ दिनों में जो सिक्वेंशियल, जो टाइप वाइज मतलब चैप्टर वाइज हमने प्रैक्टिस कराना शुरू किया था, उस दौरान मैंने एक्सप्लेनेशन भी इसका दिया होगा, आपने देखा होगा। अभी मैं वो प्रक्रिया भी चालू करूंगा जल्दी ही, जिससे वो भी आप कनेक्टेड रहिए। उसमें भी मैंने वहां पे अगर याद होगा आपको त्रिभुज करा दिया था, वृत्त लेना है मुझे वहां पे, चतुर्भुज लेना है। ए बी और सी डी समांतर है, वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान निकालना है। तो अगर y आपको निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर भाई अगर a 110 है तो 70 होगा, इस तिरसा विमुख सॉरी कहते हैं लीनियर पेयर इक्वल होता है, तो y का मान 70 डिग्री हो गया। इसी कड़ी में अगर यह आपका 120 है तो यह भी 120 होगा और यह कोण आपका 60 हो जाएगा, मतलब x डिग्री आपका 60 हो गया। तो y से अगर हम x घटाएं तो 70 से 60 घटाएं मतलब कितना आएगा 10, 10 डिग्री। बी ऑप्शन 24वें का राइट सोल्यूशन, नोट कर लीजिए 24वें का राइट सोल्यूशन यहाँ पर 10 डिग्री करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बनकर आ रहा है। तो आप सभी प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, सही आंसर आपके सामने है बोर्ड पर। हम 25 नंबर पर आ रहे हैं, 25 नंबर पर ये भी एक तरह से टाइम एंड वर्क बेस्ड ही प्रश्न है। आप ध्यान से अगर देखेंगे, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। कहीं किसी समूह में अगर 40 व्यक्ति हैं तो 30 दिन में 200 किलोग्राम चावल खा रहे हैं, कह रहा कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। मैंने कई बार इसको चर्चा में रखा है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूत्र एक इसका बनता है M1D1H1 / W1R1 = M2D2H2 / W2R2, जहां पर M1 M2 मैन पावर मतलब ऊपर का हिस्सा मैन पावर और टाइम को निर्देशित करेगा, टाइम में जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिन में, घंटे में, मिनट में होगा। नीचे मूल्य और कार्य का अमाउंट, जैसे कि यहाँ पर जो चावल की मात्रा है वो आपका कार्य का अमाउंट है। एक तरह से हम लिखेंगे 40 व्यक्ति हैं, 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में, दिन नहीं पता है, 30 व्यक्ति हैं 500 किलोग्राम चावल खाएंगे, ये प्रश्न है आपका।
जो संभव हो काट दीजिए और काट करके इस तरह के प्रश्नों का हल बता सकते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले कि 5 × 30 हो गया, ठीक है, 5 × 30 हो गया, 6 × 5 = 30 है, 2 × 20 = 40 है, 20 × 5 = 100, तो यहाँ पर दिनों की संख्या हो गई 100। तो 100 आप लोग नोट कर लीजिएगा, सही उत्तर इस प्रश्न का करेक्ट हल है। आप में से अधिकतर लोगों ने हमें सही उत्तर भी बताया, इसी बात का मुझे यहाँ पर ये खुशी का मतलब होता है कि पल जब एफर्ट करते हैं आप लोग प्रश्नों को देख करके उत्तर बता देते हैं, तो जाहिर सी बात एक टीचर इससे बेहतर कुछ अचीव नहीं कर सकता। ये अगला प्रश्न मेरे सामने, ये भी एक अच्छा प्रश्न है अभी तक का, आप इसको भी देखिए और हर करिए। 14 सेंटीमीटर कोर मतलब भुजा वाले एक ठोस घन, एक मेरे पास भाई देखो ऐसे ठोस घन था, यहां मैं कहीं बनाऊंगा तो समझ में आएगा, बाकी थोड़ी सी वर्किंग इसकी समझना आप लोग। देखो जैसे अभी प्रिज्म बनाया था उसी प्रकार से अगर हम लोग यहाँ पर घन का निर्माण करें, क्योंकि उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा ये मिला दिया। अब आप ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से को नोटिस कर रहे होंगे, मान लीजिए जो रेड कलर से अभी मैंने ड्रॉ किया ए वाला, अभी जो रेड से मैं इसको ब्लैक कलर रेड ही रखते हैं, ये जो भाग है, ये जो भाग है ऊपरी भाग है, और इसका ए वाला हिस्सा निचला हिस्सा है। आप देख लीजिएगा थोड़ा सा आपको क्लियर होगा, आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा अगर आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो। अगर हमने कहा कि इसका पढ़िए तो कह रहा कि अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है, तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का मान हमें बताना है। इसको काटने के लिए भाई आपको जो आपको पता है जो बेलन होता है कुछ इस आकृति का होता है, ऊपरी हिस्सा क्या होता है वृत्ताकार होता है और ये ऊंचाई उसकी होती है, यही सिस्टम होता है। अगर हम लोग इसको अधिकतम आयतन करेंगे ना तो हम इसकी सतह को कुछ ऐसे बनाएंगे वृत्ताकार वृत्ताकार, और इसी को खींचेंगे ऐसे ले जाकर के खींचेंगे और यहां भी ले जाकर के ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए कुछ ऐसे बनकर सामने आएगा आपका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसे रिलेट करेगा, ठीक है, इस तरह से बेलनाकार बनेगा। अब ये जो बेलनाकार बेलन बना उसकी उसकी त्रिज्या क्या होगी बताइए, क्योंकि इसकी त्रिज्या 14 भुजा 14 थी, इसकी त्रिज्या 7 हो जाएगी और इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई दोनों के बीच की भुजा की ऊंचाई मतलब 14 हो जाएगी, तो रेडियस 7 हो गई और ऊंचाई जो हाइट होगी वो 14 होगी। हमसे पूछा है इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में आपको पता है कि नीचे का दोनों ऊपर नीचे का वृत्त भी लिया जाता है और साथ साथ जो है पूरा सरफेस काउंट किया जाता है। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh+r, 2×22/7×r, r मतलब 7 कर दो और h प्लस आर 14×7=21 कर दें, 7 से कट गया, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा कितना अगर सोचा जाए तो 21 दूना, या हम इसको लिख सकते हैं 44×21 कर दीजिए, 924 आ जाएगा, 4×4 अंत में देखिए यहाँ पर 924 सेंटीमीटर आएगा, ये टोटल सरफेस एरिया होगा। तो पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का सही है, मेन चीज यहाँ पर इसकी त्रिज्या और ऊंचाई को निर्धारित करना था, अगर इसको आप समझ रहे हैं तो आप ऐसे प्रश्न का उत्तर इजिली दे सकते हैं। ये हो गया 26 हमारा डन है, 27 पर हम लोग वर्क करने जा रहे हैं। 27 एक आसान सा प्रश्न है और इसको समझिए बहुत इजिली आप उत्तर कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखो भाई ये आपके पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 है, त्रिज्या मतलब सेंटर से सतह को मिलाने वाली रेखा, पर उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा देखिए त्रिज्या मतलब ये है और कुछ पॉइंट दिमाग में रखिए, स्पर्श रेखा कॉल टेंजेंट वह रेखा होती है जो वृत्त के बाह्यतः स्थित किसी बिंदु से वृत्त की सतह को छूती हुई जाती है, और वृत्त की सतह को जहां वह छूती है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, सेंटर से हमेशा वहां 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनेगा तो उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी और जो त्रिज्या होगी ऊंचाई कहलाएगी, यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया 4, यह ऊंचाई फिगर के हिसाब से तो गलत बना है बट पाइथागोरस नियम के हिसाब से आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट बार बार मैं कहता हूं चर्चा में रखना, 90 डिग्री के सामने अगर यह 5 है या 4 है तो स्पष्ट है कि यह 3 होगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है अभी चर्चा में रखा था कि 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 वर्ग के बराबर होना चाहिए, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सपोर्ट कर रहा है, तो 5 4 के रिस्पेक्ट में हम लोग यहां पर स्पर्श रेखा 3 सेंटीमीटर रखेंगे, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिख गया था। ये कौन सा नंबर था 27, हम पहुंच रहे हैं 28 पर। यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, ये संख्याएं हैं जो संख्याओं को मैं इधर रख ले रहा हूं, 14 है, हाँ 16 है, 18 है, 19 है, पढ़िए लाइन को, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए
वह अपनी तीन गुनी से सात कम हो जाती है ना। तीन गुनी करेंगे तो 42 होगा, गुणे तीन। क्या जोड़ने की बात कर रहा है? 21। जोड़ के देखिए, 4 × 5 = 3 = 35, 35 × 6 = 42। कह रहा है कि 35 × 7 = 42, सॉरी 7 कम हो गई। इसमें तो हमें कहीं जाने की और सोचने की आवश्यकता नहीं है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर किसी संख्या के में 21 जोड़ा गया तो 35 हुआ, 35 और इसका 3 गुना 42 होता है 14 का, तो 42 से 7 कम है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले ऑप्शन से हम आगे बढ़ जाएंगे, बाकी सब इलिमिनेट हो जाएंगे। कोई अर्थ नहीं किसी को लेके चलने की, क्योंकि पहला ऑप्शन हमारा सपोर्ट कर रहा है और हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन की बिहा पर ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, यही तरीका सही होता है। सम चतुर्भुज को बार बार रखा जाता है क्योंकि इसका प्रश्न पूछा जाता है। सम चतुर्भुज भी, चतुर्भुज के जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था शुरुआत में, समांतर उसी की कड़ी का एक पार्ट होता है, एक ऐसा फिगर होता है जो कि समांतर चतुर्भुज की तरह बिहेव करता है, परंतु इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं, बिकर्ण जो होते हैं इसके एक दूसरे को समकोण पर, मतलब संगत कोण 90 नहीं होता, ऋतवर्ग हो जाता, बिकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित, मतलब यह इसके बराबर तो यह इसके बराबर समद्विभाजित करती है। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित, ये आपका क्या है, एक समचतुर्भुज है। इसकी जो बिकर्ण की लंबाइयां हैं 16 और 12 है, 16 है तो यह कितना होगा 8 होगा, 12 है तो यह कितना होगा 6 होगा। मैं बार बार आपसे चर्चा करता रहता हूं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे 4, 5, 9, 3 लिया, वैसे 8, 6 और 10 सोचिए। क्यों? क्योंकि 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36 का वर्गमूल 10, तो भुजा इसकी प्रत्येक क्या हो जाएगी बताइए, 10। पिछले क्लास में एक प्रश्न था जिसमें परिमाप पूछा गया था, फिलहाल इसमें इस प्रश्न का उत्तर 10 होगा। ठीक है, 10 सेंटीमीटर राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। तो 29 का 10 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है, प्लीज नोट करें। और हम लोग आगे बढ़कर अब 30वें पर और अंतिम आज के सेशन के अंतिम प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। एक परीक्षा हुई ना, कुल परीक्षार्थियों में 65% उत्तीर्ण होते हैं। भाई अगर परीक्षा होगी तो या तो कोई फेल होगा या पास होगा या आएगा ही नहीं। अब यहां पर हम टोटल अटेंडेंस की बात करते हैं, 100% परीक्षार्थी अभ्यर्थी हमने नोटिस किया 65% पास हुए हैं, जो फेल है उनकी संख्या 420 है। तो हमसे कहा कुल परीक्षार्थियों की संख्या बताओ। ऐसी दशा में आप जानते हैं कुल परीक्षार्थी 100 होते हैं, 100% होते हैं, ये देखिए टोटल 100% है, पास जो है वो आपके 65 है, 65 है, तो स्पष्ट है कि फेल कितने रहे होंगे, 35 रहे होंगे। इसकी संख्या हमको दी गई है 420, हमको इसका मान निकालना है। तुलनात्मक अध्ययन आपके इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है, बस कंपेयर करके आंसर करिए। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 5 से डिवाइड करें 12, 12 को 100 से गुणा करिए 1200। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या आपकी 1200 जो डी ऑप्शन में दिया गया है मानी जाएगी, और ये जो है इसका 65% यहाँ पर इस प्रश्न के अंतर्गत पास हुआ। ये हमारा सेशन था जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपने कवर किए हैं। अभी जूनियर और प्राइमरी सीटेट के दृष्टिकोण से राजकुमार सर आपको विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कराएंगे, इनका डीप एक्सप्लेनेशन आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बड़ा उपयोगी होगा। सर जैसा कराते हैं तो प्रश्नों के साथ साथ उसकी व्याख्या, उससे संबंधित जो फैक्ट्स होते हैं, जो तथ्य होते हैं, रिलेट करते हैं। तो मैं राजकुमार सर को इन्वाइट करूंगा, सर प्लीज आए और इस महत्वपूर्ण सेशन को कंटिन्यू करें। आप सभी लोग प्रॉपर संख्या में बनकर सर के इस पूरे सेशन को कंटिन्यू करिए, प्लीज सर। तो पुनः एक बार धन्यवाद सर, आप सभी ने मैथमेटिक्स के शानदार क्वेश्चन सॉल्व किए, और इसी क्रम में मैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाया हूं और मैंने शामिल किया है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहां पर आप सभी को क्वेश्चंस देखने हैं, उसके सही आंसर देने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग तत्परता से और धैर्यपूर्वक यहां पर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। चलिए, आप सभी का फिर स्वागत है। ठंडी बढ़ रही है, मौसम बदल रहा है, और ये ऐसा मौसम है आप खूब अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों, जहां तक रही एग्जामिनेशन की बात, अभी करंट अब में आपका एग्जाम लगा हुआ है सेंट्रल टीईटी का, और कोई भी भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए, इसलिए कमर कस के आप तैयार रहिए। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आप सभी लोग आज के पहले क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलिए आंसर करिए आप सभी लोग, वैभव, निशा, अनीता,
राजेश, कुसुम, पूनम, चलिए सभी लोग आंसर करिए। सभी मेरे पुराने छात्र यहां पर लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए मैनपुरी से आप हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। दोस्त यहां पर सब लोग कह रहे हैं सी सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, तो कोणीय वेग, चाल, प्रवणता, प्रकाश की तीव्रता। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई होगी शुरू में, मैंने कहा था कि अगर कभी राशि में विषुवत बल है, विषुवत बल का मतलब देखो क्या है दोस्त, इसका मतलब होता है वी से विस्थापन। दोस्तों वी से होता है विस्थापन, और सु से होता है संवेग दोस्तों, और वा से होता है वेग, और ता से होता है त्वरण दोस्तों, और बल से बल होता है। अगर इन पांचों राशियों के अतिरिक्त अगर किसी राशि के आखिरी में वेग है या फिर प्रवणता है, जैसे कि चाल प्रवणता, या फिर तीव्रता है दोस्तों, या फिर क्या दिया हुआ है आघूर्ण, या फिर आघूर्ण दिया हुआ हो, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशि कहते हैं। तो अगर किसी राशि के आखिरी में वेग दिया है, या फिर प्रवणता दिया दोस्तों, या फिर तीव्रता दिया है, तो ऐसी राशि को हम क्या बोलेंगे कि वह कौन सी राशि है, वह सदिश राशि है। जरा आप बताओ अब इसमें से अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, जरा अब उत्तर दो। ये मैंने आपको पढ़ा दिया पहले ही, हमने इस पर बात करी दोस्तों। यहां कहेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं दोस्त, तो यहां पर आपका डी आंसर सही है। ये सभी राशियां क्या है, सदिश राशियां है, तो यहां आपका डी आंसर सही है। ये आपने पढ़ा हुआ, अगर जो कहेगा नहीं पढ़े हैं तो फिर ठीक नहीं पड़ेगा भाई। आगे, किसी चालक परिपथ का तापमान बढ़ जाने पर विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्त कह रहा है किसी चालक परिपथ का तापमान बढ़ जाने पर विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर प्रतिरोध की, देखिए प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दोस्तों इसको हम कहते हैं, और इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होता है ओम। देखो प्रतिरोध का मतलब होता है अवरोध उत्पन्न करना, जैसे कि अगर आपका रास्ता ऊबर खाबर होगा तो आपके रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, उसी प्रकार अगर आवेश के रास्ते में कोई रुकावट आती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। देखो अगर हम तापमान बढ़ा देते हैं दोस्तों क्या होता है, तापमान बढ़ जाने से प्रतिरोध का मान दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी अधिक रुकावट आ जाती है आवेश के रास्ते में। अगर दोस्तों लंबाई बढ़ा देते हैं तो लंबाई के बढ़ जाने से भी प्रतिरोध का मान दोस्त क्या होता है, बढ़ जाता है, तो लंबाई बढ़ने से भी रास्ता क्या होता है, बहुत लंबा हो जाता है। यहां कहेंगे तापमान बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है दोस्तों, यहां कहेंगे आप लोगों का ए आंसर सही आंसर है। प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आ चुका है, यहां पर आपका ए आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे 33 पर, कह रहा है कि म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को। दोस्तों देखिए आपने देखा होगा कि जहां बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंसर्ट होते हैं वहां जो हाल होता है बहुत बड़े बड़े हॉल होंगे दोस्तों, जो हॉल होगा उस जो हॉल की जो दीवारें होती हैं उन्हें कैसा होना चाहिए, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन आपको आसान लगे तो भी आप यहां पर बोलिएगा, अगर कठिन लगे तब भी आप यहां पर बोल सकते हैं। चलो भाई आंसर दो, लव यू जिंदगी, क्या बात है। चलिए शिवचंद जी, रोहिणी, सब लोग आंसर दो। देखो दोस्तों अगर मान लीजिए जो कंसर्ट हॉल होगा अगर इसकी दीवार बहुत चिकनी होगी तो यह ध्वनि को परावर्तित कर देगी, और क्या होगा कि ध्वनि बार बार दीवार से परावर्तित होकर के उसी कंसर्ट हॉल में गूंजेगी और साफ साफ सुनाई नहीं पड़ेगी, इसको हम कहते हैं अनुरणन, यानी आवाज का गूंजना साफ साफ सुनाई ना पड़ना, यह होता है अनुरण दोस्तों। दीवार जो होगी, दीवार ऐसी होगी जो ध्वनि को अवशोषित कर ले, ऐसे में हमें दीवार पर फाइबर ग्लास लगाना पड़ेगा, थर्माकोल लगाना पड़ेगा, या दीवार को खुरदुरी बनाना पड़ेगा ताकि दीवार क्या करे, ध्वनि को अवशोषित कर ले। यहां दोस्तों डी आंसर सही है, जिसने डी लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे, दर्द निवारक औषधि मार्फिन। दोस्तों ये मार्फिन एक ऐसी औषधि है जो दर्द निवारक के साथ साथ हमें नींद भी देती है, दर्द निवारक और निद्राकारी जो दवा होती है मार्फिन, निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है, एट्रोफा से, एट्रोफा बेलाडोना,
दोस्तों इससे मिलती है या फिर दिया हुआ है स्ट्राइकन से मिलती है, रावल्फिया सर्पेंटाइना, दोस्तों किससे मिलती है आप यहां पर आंसर करिएगा। आप यहां दोस्तों आंसर करेंगे, देखिए यहां दोस्तों हम कहते हैं कि देखिए जो दोस्तों इससे क्या मिलता है, इससे मिलती है एट्रोपिन, दोस्तों इससे मिलती है एट्रोपिन, दोस्तों इससे क्या मिलती है, इससे मिलती है स्ट्रिकनिन, दोस्तों इससे दवा मिलती है स्ट्रिकनिन, और यहां अगर देखें दोस्तों इससे मिलती है रेजरपिन, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मॉर्फिन, दोस्तों मॉर्फिन जो होती है मॉर्फिन है दोस्तों, या किससे मिलती है पोस्ता के अधपके फल से, दोस्तों देखिए इसी से अफीम मिलेगी दोस्तों, इसी से क्या मिलती, इसी से मॉर्फिन भी मिलती है पोस्ता के अधपके फल से। इतने 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 आसान प्रश्न है, अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चन गलत करेंगे फिर तो सोचने वाली बात है दोस्तों। तो पोस्ता से अफीम मिलती है और पोस्ता से ही क्या मिलता है दोस्तों, इसी से मिलता है मॉर्फिन। 35 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है, यानी दोस्तों यहां पर चार पौधों के हार्मोन दिए गए हैं और इनमें से कौन वृद्धि को रोकता है पौधों की। दोस्तों वैसे देखिए मैंने आपसे कहा था कि एक ट्रिक होती है एजी, एजी आटा साफ है, ये प्लांट हार्मोन की ट्रिक है दोस्त। देखो ए से होता है एथिलीन और एबसेसिक अम्ल, दोस्तों जी से होता है जिब्रेलिन, आ से ऑक्सिन, टा से ट्राउमैटिन, सा से साइटोकाइनिन और फो से फ्लोरोजिन, ये सात प्लांट हार्मोन होते हैं दोस्तों। यहां से एक हार्मोन ऐसा है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है दोस्त, ऑक्सिन ये पौधों के शीर्ष भाग में होकर के वृद्धि करवाता है दोस्तों, जिब्रेलिन ये अंकुरण में हेल्प करता है और पौधे को हरा भरा करता है दोस्तों, यहां साइटोकाइनिन ये पौधों को हरा भरा कर दोस्तों, यहां दिया एथिलीन ये फल पकाने वाला हार्मोन है, बता दूं आप सभी को दोस्तों ये राइपनिंग हार्मोन है, फल पकाने वाला हार्मोन और ऐसा हार्मोन है दोस्त जिसको हम कहते हैं ये वृद्धि को रोकता है। यहां पर आपके डी आंसर सही होंगे दोस्त, यहां पर डी आंसर आपका सही है, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। आगे देखिए 36, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रघाती विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करते हैं तो क्यों ना एक बार इसको सॉल्व करिए और आंसर दीजिए, बताओ निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रघाती, सबसे खतरनाक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब पढ़ा चुका हूं, पता नहीं कितनी बार पढ़े होंगे आप लोग, बताओ दोस्तों आपको आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जो हमेशा पढ़ाता हूं वही पूछ रहा हूं। देखो दोस्तों जो किरणें होती हैं, पहली होती है गामा, दोस्तों पहली क्या होती है गामा होती है, इसके बाद होती है एक्स, फिर अल्ट्रावायलेट दोस्तों, फिर क्या है दृश्य प्रकाश है, दृश्य प्रकाश दोस्तों, फिर क्या होती है अवरक्त होती है दोस्तों, उसके बाद क्या होती है माइक्रोवेव दोस्तों, फिर क्या है दीर्घ रेडियो होती है। देखो अगर हम इधर बढ़ेंगे तो कंपन बढ़ता मतलब आवृत्ति बढ़ती है, अगर इधर बढ़ेंगे दोस्तों तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, सर्वाधिक आवृत्ति किसकी, गामा की, तो सबसे अधिक खतरनाक कौन सी होती है गामा है, यहां गामा ऑप्शन दोस्तों नहीं है, यानी ये नहीं है। उसके बाद खतरनाक कौन सी होती है एक्सरे होती है, एक्सरे ऑप्शन में है नहीं है। अब बच कौन रहा है अल्ट्रावायलेट, दोस्तों यहां देखिए पराबैंगनी किरणें खतरनाक होती हैं जो कि सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में शामिल होती हैं, इन किरणों को ओजोन परतें रोक लेती हैं, अन्यथा ये किरणें धरती पर आकर के तबाही मचा सकती हैं, लेकिन जो किरणें पहुंच पाती हैं इन्हीं किरणों से सनबर्न, स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स शुरू होती है दोस्त। यहां कहेंगे पराबैंगनी किरणें ये नंबर तीसरे पर सबसे प्रघाती किरणें होंगी, इसके बाद दृश्य प्रकाश होती है। ठीक है दोस्तों, यहां पर आपका ए आंसर बिल्कुल सही है, जिसने ए लगाया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे, निम्नलिखित रंगों में से द्वितीयक रंग नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है इसका, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर दे पाओगे। चलिए यहां पर आंसर दीजिए आप लोग कि निम्नलिखित रंगों में से कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है। महबूब जी कहां पर म्यूटेशन कर रहे हो भैया, हाँ तो डेंजरस बता रहा हूं मैं, नंबर थर्ड पर वही होगी पराबैंगनी किरण होगी, क्योंकि गामा तो दिया नहीं है, गामा के बाद एक्स होती है, एक्स भी नहीं दिया तो वही होगी ना, बताओ दोस्तों। यहां देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जो प्राथमिक रंग होता है उसके लिए आपको याद रखना निहाल, दोस्तों निहाल का मतलब होता है नीला हरा और लाल, दोस्तों निहाल को मत छोड़िएगा, देखिए नीला इसमें आ गया दोस्तों, यहां हो जाएगा ये थर्ड वाला ऑप्शन क्या है,
यही क्या है, ये द्वितीय का रंग नहीं दोस्तों। यहां देखिएगा, कहेंगे नीला प्लस हरा, दोस्तों इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इससे मिलता है पीकॉक ब्लू, इन दोनों के मिलने से पीकॉक ब्लू बनता है दोस्तों। और कहेंगे नीला प्लस लाल, नीला प्लस लाल इनसे बनता दोस्तों, दोस्तों इससे क्या बनता है, मेजेंटा, दोस्तों इससे बनेगा मेजेंटा, उसके बाद हरा और प्लस लाल। तो हरा और लाल मिलाएंगे तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, हरा और लाल मिलने से क्या बनेगा, हरा लाल मिलने से लोग या कोई बैगनी बना दे रहा है, बताओ दिव्य क्या बनेगा हरा और लाल के मिलने से, जल्दी बोलो, हरा और लाल मिलने से क्या बनेगा, ब्लैक। वाओ शिवम कह रहे हैं ब्लैक बन जाएगा, ओहो चलो दोस्तों यहां बन जाएगा पीला, दोस्त क्या बनेगा पीला बन जाएगा। तो आप देखिए ये क्या होते हैं दोस्तों, ये जो है तीनों, इन तीनों को हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर दोस्तों, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी कलर। देखिए ये भी है, ये भी है और ये भी दोस्त, लेकिन ये क्या होता है, ये प्राइमरी कलर होता है। तो ब्लैक ना बनाओ, पीला बनेगा, ठीक है ना। हाँ आगे 38 आगे दोस्तों बढ़ते हैं, दिया है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान मापने के लिए तापमापी में क्या प्रयोग करेंगे, व्हाट विल बी यूज इन द थर्मोमीटर्स टू मेजर द टेम्परेचर बिलो -100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से भी अगर नीचे तापमान है तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, यहां पर यह भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए, राइट आंसर इसमें क्या होगा। चलो बहुत बढ़िया दोस्तों क्वेश्चन है, लोग कह रहे हैं पारा, दोस्तों ध्यान देना जो पारा होता है एचजी, इसके द्वारा क्या होगा -39 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 357 डिग्री सेल्सियस तापमान मापेंगे। ये तो वैसे भी प्रतियोगिता से बाहर हो गया दोस्तों। आइए बात करते हैं हम लोग यहां पर एल्कोहल की दोस्त, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो -110 डिग्री सेल्सियस से तो -39 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापेगा, इसका मतलब जो एल्कोहल है यही हमारा सही आंसर दोस्तों। यहां जो हाइड्रोजन होता है ये 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मापेगा। तो एल्कोहल जहां पर बहुत ठंडा होता है वहां पर एल्कोहल का यूज होता है टेम्परेचर को दोस्तों मापने के लिए। यहां कोई कह रहा शराब, शराब का प्रयोग तुम्हारा तापमान बढ़ाने के लिए होता है, तापमान मापने के लिए नहीं होता दोस्त। यहां देखिए कहेंगे आपका बी आंसर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रम, दोस्तों आप कोलेस्ट्रम जानते होंगे, कोलेस्ट्रम का मतलब खीस होता है दोस्त। खीस का मतलब यह है कि जब गाय या भैंस शुरुआत में बच्चों को जन्म देती है तो गाय या जो भैंस का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है दोस्तों, उसी को हम खीस कहते हैं। खीस जो होता है वो बच्चों मतलब नवजात बछड़े के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन होता है, उसमें तमाम खनिज होते हैं, उसमें दोस्तों विटामिन्स होती हैं, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वह नवजात बछड़े के लिए होता है। देखिए दुर्भाग्य क्या होता है कि उस खीस को पिलाना होता है बछड़े को, लेकिन हम क्या करते हैं बछड़े को उतना ही पिलाते हैं जितने में दूध निकलना शुरू हो जाए, उसको हम हल्का सा पिलाएंगे और दूध निकाल लेंगे, उसे बढ़िया से सौंठ चीनी सब मिला करके भैया बनता है एक दोस्तों पदार्थ बनता है, उसको हम लोग खाते भी हैं और अपना भी खाते हैं, पड़ोसी को बांट देते हैं। सोचिए जो बच्चे के लिए होता है वो हम लोग खा ले रहे हैं, पड़ोसी खिला दे रहे हैं, तो दोस्तों उसी को हम कहते हैं खीस। जो खीस होती है हल्का कड़वापन खीस में होता है वह होता है कैरोटीन से दोस्तों, हल्का सा पीला रंग होता है वह होता है फास्फोरस या तो कैरोटीन से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त होता है खीस। जो खीस है इसमें पूछ रहा है कौन सा विटामिन, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन डी। दोस्तों देखिए दूध में विटामिन सी नहीं होती है, ये वैसे भी बाहर है दोस्त, ये आंवला में होती है दोस्त, कहां होगी ये सबसे अधिक होती है आंवला में दोस्त। इसके बाद देखिए विटामिन ए है दोस्तों, ये दूध में होती बहुत बहुत कम मात्रा में होती भैया दोस्तों, ये भी क्या प्रतियोगिता से बाहर है। ये कहेंगे गाजर में होती है अधिक मात्रा में, आम और पपीता में दोस्तों, आम और पपीता में अधिक मात्रा में होगी। विटामिन डी दोस्तों ये सनशाइन विटामिन है दोस्तों, ये धूप में सबसे अधिक होती है दोस्तों, इसको हम कहते हैं धूप का विटामिन दोस्तों। यहां पर B12 जो है ये ऑप्शन में सही है। अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हुआ है घातक एनीमिया,
तो अगर उसको कोलेस्ट्रॉल मिल जाए पीने के लिए तो उसका एनीमिया ठीक हो सकता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12 यानी साइनोकोबालमिन होता है। साइनोकोबालमिन दोस्तों, साइनोकोबालमिन जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें कोबाल धातु होती है, इसलिए कहते हैं कि साइनोकोबालमिन पाया जाता है। यहां रोज कहेंगे आपका ए आंसर सही है। हाँ, कीला नहीं होता, उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते, खीस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे 40 पर। तंतुमय संयोजी उत्कों के निर्माण में कौन सा प्रोटीन भाग लेता है? दोस्त देखिए, तंतुमय संयोजी उत्क सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों, संयोजी उत्क क्या होगा। जैसे कि रक्त क्या होगा दोस्तों, रक्त होता है संयोजी उत्क। जो रक्त का प्लाज्मा है दोस्तों, यह भी क्या होता है, संयोजी उत्क। आप पढ़ेंगे लिगामेंट, यह भी क्या होता है, संयोजी उत्क। दोस्तों आप पढ़ेंगे टेंडन, दोस्तों ये क्या होता है, संयोजी उत्क। दोस्तों आप पढ़ेंगे अस्थि, ये क्या होता है, संयोजी उत्क। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अब इन संयोजी उत्कों में क्या होता है, कौन सी प्रोटीन इनका निर्माण करेगी, आप बताओ आप लोग सही आंसर क्या होगा। फाइब्रोइन, भाई देखो ये तो रेशम में होती है, रेशम और मकड़ी के जाले में दोस्त, ये बाहर है। हिस्टोन दोस्तों, यह तो गुणसूत्र में होती है, यह भी बाहर है दोस्त। गोसेपिन, ये तो कपास में होती है दोस्तों, यह भी बाहर है। आपको मैंने पढ़ाया है कि प्लाज्मा का पीला रंग कैसे होता है, कोलेजन दोस्तों। और जो कोलेजन तंतु है, ये आपको पढ़ा है दोस्तों, जो कोलेजन तंतु होता है ये कहां होगा, यह होता है हमारी अस्थि और उपास्थि में। यहां पर आपका बी आंसर सही है, जिसने बी लगाया है उसका आंसर बिल्कुल सही है, कोलेजन। ठीक है ना, कोई अमेजन कह रहा है कोलेजन को। देखो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर। मिश्रण दोस्तों क्या होता है, दो या दो से अधिक अशुद्ध पदार्थों के अनुपात से बना हुआ पदार्थ मिश्रण कहलाता है। दोस्तों इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता और इसमें अशुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण समांगी और विसमांगी दो प्रकार का होता है दोस्तों, होमोजिनस और हेट्रोजिनस। बताओ सही आंसर क्या होगा इसमें दोस्तों। निम्नलिखित में से मिश्रण नहीं है, एलपीजी, आसुत जल, वायु और गैसोलीन। चलो भाई जल्दी से आंसर दो, ये तो बहुत आसान दोस्तों, यहां बस इतना ही कहोगे। जो जल होता है दोस्त, यह क्या है, यह कंपाउंड है, क्योंकि इसमें तत्वों का, शुद्ध पदार्थों का निश्चित अनुपात होता है दोस्त, कहेंगे H2O। इसमें क्या है, निश्चित अनुपात होता है तत्वों का, यहां कहेंगे दोस्तों ये क्या है, ये होता है कंपाउंड, या होता है यौगिक, ना कि मिश्रण। 42 पर आते हैं, कह रहा आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे दोस्त। आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, आप बताइए दोस्त। दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर, बेकिंग सोडा, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसको हम कहते हैं NaHCO3। दोस्तों यहां देख लीजिए दोस्तों, ये क्या है, ये आपका H2SO4 दोस्तों। ठीक है दोस्त, अब यहां देखिए ये क्या है, ये है CO2। अब दोस्तों किसका प्रयोग करेंगे आग बुझाने के लिए, तो यहां सब लोग कहेंगे सी आंसर सही। लेकिन दोस्तों ध्यान देना आप लोग, जब जो आग बुझाने का यंत्र होता है, जैसे उसकी नॉच को खोलते हैं और फोर्स करते हैं, तुरंत ये दोनों गैसें मिलती हैं दोस्तों। इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों स्मॉग बन जाता है और फिर से आग बुझ जाती है। तो इन तीनों का इस्तेमाल होता है आग बुझाने के लिए, इन तीनों गैसों का। तो कहेंगे यहां पर डी आंसर सही है। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। दोस्त दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन प्रेजेंट्स द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफ। स्वपोषी मतलब होता है स्वयं का पोषण करने वाला, ऐसे पदार्थ, ऐसे जीवधारी जो अपना पोषण स्वयं कर सके। दोस्तों ये जीवधारी कहते हैं कि अजैविक घटकों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें आप किसको शामिल करोगे, शैवाल, पालक, टमाटर, केला, शैवाल, अमरबेल, केला, आम, पालक, छत्रक, इसको हम बोलते हैं कवक, कवक, टमाटर और ईस्ट, तुलसी, शैवाल, अमरबेल और कवक। क्या होगा सही आंसर दोस्तों, देखिए अब यहां पर कहेंगे दोस्तों, यहां पर कहेंगे क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, यहां पर ए आंसर सही। शैवाल क्या होता है, स्वपोषी दोस्तों। पालक क्या है, स्वपोषी।
टमाटर क्या है स्वपोषी दोस्त, केला क्या है स्वपोषी। अगर यहां हम देखें दोस्तों, यहां दिया है अमरबेल, इसकी जड़ परजीवी जड़ होती दोस्तों। यहां दिया है कवक, ये परजीवी होता है दोस्त, ये परपोषी होता है दोस्तों। यहां कहेंगे देखिए अमरबेल और कवक दोनों दिया है दोस्तों, यह भी क्या होते हैं, यह भी दोस्त परजीवी कहलाते हैं। यहां हम कह सकते हैं कि यह परजीवी होगा। तो आपका यहां पर 43 का ए आंसर सही है। आगे बढ़ते 44 की ओर। किसकी मदद से केचुआ सांस लेता है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट डज एन अर्थवर्म ब्रीथ। अर्थवर्म किसकी सहायता से सांस लेगा, और दोस्तों आंसर देखिए कह रहा है कि फेफड़े, त्वचा, नाक और बाल। दोस्त आप बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों अगर मैं श्वसन अंगों की बात करूं तो यहां देखिए, अगर बात दोस्तों करें हम स्पाइरिकल की, दोस्तों स्पाइरिकल होता है या फिर ट्रैकिया होता है दोस्तों, या फिर श्वास नली होती है, या कीटों में होगी दोस्त। एक देखिए होता है बुक लंग, दोस्तों बुक लंग्स किस में होता है, यह होता है बिच्छू के अंदर, ध्यान देना आप लोग, यह होता है बिच्छू दोस्तों, और कहां होता है मकड़ी के अंदर दोस्तों। एक होता है बुक गिल्स, दोस्तों एक होता है बुक गिल्स, याद रखो ये एस्टेट में पिछली बार आया था दोस्तों। ये होता है किसके अंदर, ये होता है झींगा, आप जानते होंगे प्राण के अंदर दोस्तों। त्वचा दोस्तों यहां कहेंगे जो केचुआ होता है वह त्वचा से सांस लेता है दोस्त, और फिर कहते हैं त्वचा और फेफड़ा, त्वचा व फेफड़ा दोस्तों इससे सांस लेता है मेंढक, इससे सांस लेता है मेंढक दोस्तों। आगे हम कहते हैं गलफड़ा, जिसको हम कहते हैं गिल्स, गलफड़े से सांस लेती हैं मछली या फिर ऑक्टोपस दोस्तों। आगे होता है फेफड़ा, जिससे स्तनधारी दोस्तों कहेंगे इससे स्तनधारी और सरीसृप, मतलब रेप्टाइल जो रेंगने वाले दोस्तों सरीसृप होते हैं, सरीसृप दोस्तों और कौन, पक्षियां, केवल फेफड़े सांस लेती हैं। अब बताओ सही उत्तर क्या हो रहा है दोस्तों, सही आंसर क्या हो रहा है। यहां हम कहेंगे जो मेंड जो केचुआ है वह है त्वचा से सांस लेता है, कुछ लोग कह रहे हैं नाक से दोस्तों, जनरल बॉडी सरफेस में स्किन होती है इससे सांस लेता है। अब आप मुझे ये बताओ सभी लोग कि जो व्हेल मछली है दोस्तों, व्हेल मछली सांस कहां से लेती है, व्हेल मछली सांस कहां से लेती है। कॉकरोच बाबू क्या होगा, स्पाइरिकल। कॉकरोच राजकुमारी वर्मा जी किसमें, कीट वर्ग में आता है, उसमें ट्रैकिया होगा, स्पाइरिकल होगा, या फिर कहेंगे वातक तंत्र होता है दोस्त। तो व्हेल सांस कैसे लेती है आप बताओ, गिल्स होगा सही आंसर या फिर लंग्स होगा सही आंसर। करेक्ट आंसर आपको दीजिए, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं। आगे बढ़ेंगे 45 पर। देखा तो दिया गया, प्राय देखा जाता है कि प्रक्षेपण केंद्र विषुवत रेखा के आसपास नहीं होते, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर पलायन वेग का मान दोस्त कहेंगे विषुवत रेखा के आसपास होते हैं दोस्त, नहीं यहां पर कार देंगे दोस्तों, विषुवत रेखा के आसपास होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर पलायन वेग का मान कम होता है, अधिक होता है, समान या फिर इनमें से सभी दोस्तों। लोग कह, कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं कि जो हम सांस ले, जो व्हेल सांस लेती है, कुछ लोग गिल्स बोल रहे हैं, तो ध्यान देना आप लोग, गिल्स नहीं होगा दोस्त, जो व्हेल है वो मैमल्स है, स्तनधारी है, इसलिए वह फेफड़े से सांस लेगी, तो लंग्स आपका सही उत्तर दोस्तों। यहां देखिए जो पॉइंट्स मैं आपसे पूछ रहा हूं वह पॉइंट दोस्तों क्या है, देखिए होता यह है कि उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, अब कहेंगे ये प्रक्षेपण केंद्र क्या होता है, तो एक बात ध्यान देना आप लोग, जैसे जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स होती हैं जिनको हम, जिनसे प्रसारण हमारा हो रहा है, अगर मुझे आप देख रहे हो इंटरनेट से तो इसके लिए सैटेलाइट है दोस्तों, आप देखते हैं जीपीएस, इसके लिए सैटेलाइट ऊपर होती है, तमाम प्रकार के चैनल आप देख रहे हो तो सैटेलाइट होती है, तो सैटेलाइट का प्रक्षेपण केंद्र होता है, वहां हम सैटेलाइट को पलायन वेग से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं, और वह सैटेलाइट पृथ्वी के विषुवत रेखीय तल में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों गति करती रहती है, पृथ्वी की परिक्रमा करती रहती है। ध्यान रखना जो पलायन वेग होता है दोस्तों वह न्यूनतम कहां होता है, विषुवत रेखा पर, क्योंकि आप जानते हो जो स्मॉल जी होता है वो पलायन वेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा दोस्तों, पलायन वेग का मान न्यूनतम कहां होता है, विषुवत रेखा पर। अगर मान लीजिए हम पलायन, अगर हम किसी सैटेलाइट को
अगर ध्रुवों के आसपास से प्रक्षेपित करेंगे तो यहाँ जी का मान अधिक होगा दोस्तों, इसलिए पलायन वेग भी बढ़ जाता है। तो अधिक ईंधन खपत होगी, अधिक तेल जाएगा, अधिक खर्चा बढ़ेगा। उस खर्चे को रोकने के लिए हम लोग कहां से, जहां पर पलायन वेग का मान कम होता है अर्थात विषुवत रेखा के आसपास से उपग्रहों का प्रक्षेपण करवाते हैं। यहां पर ए आंसर सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 46 पर आते हैं। जंतु हार्मोन के विषय में असत्य कथन का चुनाव करिए। दिया है चूज द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द एनिमल हार्मोन्स। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं। अरे वाह, लव हार्मोन क्या बोलते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, ये जानते हो आप लोग ना। उसके बाद देखो प्रोजेस्टेरॉन को गर्भधारण करने वाला हार्मोन कहते भैया, ये सही है। रिलैक्सिन को प्रसव कराने वाला हार्मोन कहेंगे, वेरी गुड। दोस्तों दिया है नार एंड्रेनालिन को थ्री एफ हार्मोन कहते हैं। तो कौन सा गलत है, जंतु हार्मोन के विषय में असत्य पूछ रहा है, फॉल्स स्टेटमेंट। दोस्तों कहेंगे ये नार एंड्रेनालिन नहीं दोस्तों, बल्कि यहां कहेंगे एड्रेनालिन होता है, और एड्रेनालिन हार्मोन को हम फियर फाइट एंड फ्लाइट कहते हैं। थ्री एफ फियर फाइट एंड फ्लाइट मतलब डर के समय निकलता है दोस्तों, लड़ते समय निकलता है और मार करके भागते समय निकलता है। तभी बचपन में जब छोटे थे आप लोग तो इसको आपने अनुभव किया होगा, जब आप प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं जिससे हमारी दुश्मनी होती है ना, पहले हम ऐसे हाथ पीछे करके खूब उसको देखते रहते हैं, बढ़िया से पोजीशन सेट करते हैं और डरते रहते हैं ना। जब डरते भी रहेंगे तब भी ये निकलता रहेगा हार्मोन, ठीक, थ्री एफ हार्मोन, और हम उसको देखते रहते हैं। मौका मिलते ही मुक्का इसे बांध के घम से मारते, तुरंत भागते अपने घर तरफ। ये आपको याद होगा दोस्तों, उस समय यही हार्मोन निकलता है मार करके भागते समय, एड्रेनालिन, इसको बोलते थ्री एफ हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन। उस गैस का नाम क्या है जो पृथ्वी में बहुतायत पाई जाती है, यह अन्य तत्वों के साथ मिलकर के दोनों संगठित रूप में और विमुक्त रूप में भी मिलती है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस व्हिच इज फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ टुगेदर विद द अदर एलिमेंट्स। इट इज फाउंड बोथ इन द फ्री फॉर्म एज वेल एज इन द फ्री फॉर्म। बताएं दोस्तों वे कौन सी गैस होती है, आप बताएं इस गैस के बारे में। हाँ, तो भागने का रास्ता भी नहीं मिलता है कि हम लोग भागते रहते हैं मार करके। दोस्तों कहेंगे देखिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है। क्वेश्चन बढ़िया है कि वह कौन सी गैस है जो बहुतायत होती है धरती पर, वह स्वतंत्र भी रहती है और अन्य तत्वों के साथ मिलकर के भी दोस्तों रहती है, बताओ क्या होगा। जी हाँ दोस्त, ऑक्सीजन कितनी होती है, 46% के अराउंड होती है क्रस्ट पर। आप जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ NOSO2, तो मतलब फ्री भी होती है और अन्य एलिमेंट्स के साथ मिली भी होती है। यहां पर आपका ए आंसर सही है, ऑक्सीजन। 48 पर आते हैं। पर्ण हरित मतलब क्लोरोफिल के विषय में रॉन्ग स्टेटमेंट चुनिए। दोस्तों क्लोरोफिल आप जानते हैं ये प्लांट का एक अलग ही नेचर होता है जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में ग्रेनम और स्टोमा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों कह रहा है कि के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है। पत्तियों में नमी की रक्षा करना, पत्तियों को हरा रंग देना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके शर्करा का भंडार करना, इनमें मैग्नीशियम तत्व होता है। तो बताइए कौन सा इसमें गलत है। दोस्तों कहेंगे ए वाला, क्लोरोफिल से नमी से कोई मतलब नहीं है, नमी होना हो उसका कार्य है पौधों के, पौधे की पत्ती में फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करना और पत्तियों को हरा भरा रखना। दोस्तों ऑलरेडी मैग्नीशियम एलिमेंट क्लोरोफिल में होता है। आगे बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान नहीं होती। दोस्तों प्रकाश को आप जानते हैं, प्रकाश एक ऐसा शरारती बच्चा है जिसके विषय में बहुत से वैज्ञानिकों ने जानने का प्रयास किया, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक प्रकाश के बारे में जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए थे क्योंकि प्रकाश बहुत शरारती बच्चा है। किसी ने कहा कि प्रकाश कण है दोस्तों, किसी ने कहा प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, किसी ने कहा प्रकाश यांत्रिक तरंग है, कोई कह रहा है प्रकाश फोटॉन के रूप में चलता है। तो प्रकाश इतना शरारती बच्चा है, कोई बता नहीं पाया कि प्रकाशवा अपनी दीबी किरण के साथ कैसे चलता है, कोई बता नहीं पाया। दोस्तों अंततः हमने क्या माना है, सी माना है, ये दोनों है।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, शानदार आप लोगों का, आप लोगों की उपस्थिति बहुत शानदार कि आप लोग ठंडी में भी कंबल ओढ़ करके पढ़ाई कर रहे हैं और भोजन भी, कुछ लोग तो भोजन कर भी रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, भोजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे होंगे। चलो कोई नहीं, ठीक है, यही समय है। बताओ निम्नलिखित कार्यों पर विचार करिए। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शंस। इस पोषक तत्व में से हमें ऊर्जा मिलती है, यह हमारे शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। उपरोक्त कार्य निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ की है दोस्त, किस पोषक पदार्थ की? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो खा करके टहल रहे होंगे, है ना, छत पे, कुछ लोग छत पे बतिया भी रहे होंगे, कुछ लोग किचन में है। अरे वाह क्या बात है, कोई नहीं कोई नहीं, बस देखिए पढ़ाई होनी चाहिए। बता दूं मैं आप सभी को कि बहुत से लोग इस समय आलोचना करते फिर रहे हैं, मुझे पता है ऐसे मेरे बहुत से प्यारे भाई बहन हैं जिनका आत्मविश्वास 80% टूट चुका है। लेकिन दोस्तों ये आपका जो आत्मविश्वास है ये टूटना नहीं चाहिए, बहुत आवश्यक है। याद करिए आप लोग 2018 की परीक्षा, जब लोकसभा चुनाव था तो बाबा जी ने क्या किया था, यूपी टेट की परीक्षा होने के बाद ठीक 22 दिन बाद आपका एस्टेट का एग्जाम हो गया था 69,000 वाला, और आपके बहुत से भाई बहन पड़ोसी मित्र नातेदार जो आपके बहुत क्लोज थे उनका सिलेक्शन हो गया और उन्होंने आपसे बोलना ही बंद कर दिया। तो उस पिछली परीक्षा को आप याद करिए कि कैसे एग्जाम हुआ था 2018 के एग्जाम में। टेट के एग्जाम होने के बाद केवल 22 दिन का वक्त मिला था। इतिहास अपने आप को दोहराता है हमेशा, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वही बाबा जी हैं, बाबा जाने मन की बात, जिस दिन देखो अब बस कुछ करना नहीं है, बस मैं कहूंगा दोस्तों वैकेंसी एकदम बिल्कुल आएगी, भले से आपको 20 दिन का वक्त मिले, भले से आपको 25 दिन का वक्त मिले, लेकिन एग्जाम आपका जरूर होगा। और जिन लोगों को लगता है कि सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी वो लोग आज से ही पढ़ाई लिखाई बंद कर दें, बिल्कुल क्लोज। बाकी जिनको भरोसा हो, ट्रस्ट हो, जो परिश्रमी हैं, जिनको अपने भविष्य का निर्माण करना है, जो बच्चे जिम्मेदार हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज हैं, वो बच्चे पढ़ाई शुरू कर दें, क्योंकि फिर से इतिहास अपने आप को दोहराएगा दोस्त। और ध्यान देना, हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा, युद्ध चाहे जब हो आपको हथियार, गोला बारूद, सैनिक तैयार रखने होंगे, क्योंकि जब भी युद्ध हो आप तुरंत युद्ध करने की स्थिति में हो, युद्ध लड़ने की स्थिति में हो और आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। अब कहीं ऐसा ना हो कि अगर ऐसा हो जाए कि 22 दिन में 20 दिन का आपको वक्त मिले तो आप बस केवल पन्ने पलटते रह जाएं, तब तक एग्जामिनेशन हो जाए। तो इस बात का ध्यान देना, जिसको लगता है कि नहीं होने वाला है आज से बंद कर दे, जिसको लगता है होगा वह लग जाए आज से बढ़िया से, ठीक है दोस्त। यहां देखिए कहेंगे वसा, यहां पर सही आंसर क्या है, फैट है दोस्तों। इससे हमारी बॉडी को ऊर्जा भी मिलती है और ये हमारी बॉडी को बाहरी चोट से बचाती भी है दोस्त। कहेंगे यहां पर आपका ए आंसर सही आंसर है। आएंगे 51 पर, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता? दोस्तों एयर पोल्यूशन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं, यहां ऑप्शन देखिए दिया है, सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से, किसके इस्तेमाल से, बताए किसके इस्तेमाल से वायु प्रदूषण नहीं होता है? आप मुझे आंसर दीजिए दोस्तों, आप मुझे आंसर दीजिए, बताएं इसमें दोस्त कई कौन से आंसर सही है। दोस्तों कहते हैं कि निजी वाहन अगर सबके पास होंगे, मान लीजिए अगर आपके घर में 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर में 8 के पास हीरो होंडा स्कूटी है, तो बताओ उससे सब लोग पोल्यूशन फैलाएंगे। लेकिन अगर गाड़ी एक ही होगी और सभी लोग सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम पोल्यूशन दोस्तों होगा। सीएनजी और एलपीजी से कम होता है पोल्यूशन। बाकी दोस्तों ये क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इससे भी दोस्तों पोल्यूशन कम होता है, कहेंगे डी आंसर। यहां डी आंसर आपके सही आंसर दोस्त, कहेंगे इन सब के इस्तेमाल से पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं, जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां तक हो सके एलपीजी और सीएनजी का प्रयोग, जहां तक हो सके नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल, इन सब के इस्तेमाल से हम लोग पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। पूनम सिंह जी, बैच में पूछिए पहले, कभी भी बच्चों का उत्साह कम नहीं हो पाता जब तक हम लोग पढ़ाते रहते हैं। किसी बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए, उसका हमेशा लेवल हाई रहता है।
दोस्तों यहां बढ़ेंगे आगे, नहीं तो इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, आप पूछेगा कि बैच में किस तरह से हम लोग मोटिवेट करते हैं बच्चों को ताकि उनकी जो ऊर्जा बनी रहे। दोस्त कहेंगे घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई द्वारा फैलने वाले रोग क्या है। दोस्तों इसको हम कहते हैं हैजा, मतलब कॉलेरा। दोस्तों ये क्या है, ये पेचिस है, ये प्लेग है, दोस्तों ये टीबी है, ये फील पाव। दोस्तों फील पाव होती है, मच्छर से फैलती है, आपको पता है दोस्तों, और ये चूहे से दोस्तों फैलता है। ठीक है, बचा हुआ हैजा, अतिसार और तपेदिक, एक दो और चार, कहीं ऑप्शन दोस्तों है? बिल्कुल है, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही आंसर दोस्त, यहाँ पर डी आंसर सही आंसर है। उस कहेंगे डी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे 53, मानव में उपस्थित लार ग्रंथि नहीं है दोस्तों, यानी सिलेबरी ग्लैंड नहीं है। देखिए आपने पढ़ा होगा सिलेबरी ग्लैंड के बारे में दोस्त, कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं और कौन कौन सी होंगी। दोस्तों यहां देख लीजिए, अब अगर लार ग्रंथि की बात करूं तो आपको जानना होगा दोस्तों, यहां देखिए कान होता है हमारा, हमारे कान के पास एक ग्रंथि होती है जो सबसे बड़ी ग्रंथि, दोस्तों इसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्रंथि। इसके बाद देखिए जबड़े के पास दोस्तों एक हड्डी होती है, इसका नाम क्या है, मैक्सिला दोस्त। यहां पर कहेंगे दोस्तों, यहां पर मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर दोस्तों यहां पर होती, कहेंगे सब सब लिंगुअल दोस्त, यहां होती है सब लिंगुअल दोस्तों। यहां देखिए फिर मैंडिबुल हड्डी ये होती दोस्तों, यहां पर मैंडिबुल हड्डी के पास एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर, तो सब मैंडिबुलर, तो तीनों होती है, तो पैरोटिड भी है, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल है दोस्त। यहां इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड नहीं होती है, यहां आपका बी आंसर रॉन्ग है दोस्त, बाकी सभी आंसर सही है। ये आसान क्वेश्चन है यार, ये तो नहीं कितनी बार पढ़ा चुका हूं मैंने इसको। आगे बढ़ेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है किस रूप में। ग्रेफाइट इज यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, विमंडक के रूप में, ईंधन के रूप में, स्नेहक के रूप में या फिर विद्युत्रोधी के रूप में। दोस्तों देखिए कहते हैं कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, जो नाभिकीय रिएक्टर होगा दोस्तों, इसमें क्या कहते हैं, देखिए बेरिलियम ऑक्साइड और दोस्तों क्या होता है, बोरान की जो छड़ होती है वो नियंत्रक होती है। ग्रेफाइट दोस्तों होता है जिसका प्रयोग करते हैं विमंडक के रूप में। दोस्तों यूरेनियम होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं ईंधन के रूप में। D2O यानी कि भारी जल होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग उसको ठंडा करने के लिए दोस्तों, शीतलक के रूप में करते हैं। यहां देखिए आपका ए आंसर सही होगा। बढ़ते हैं 55 पर, निम्नलिखित में से कौन सा कीट लाभदायक नहीं होता, मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट और दीमक। बताओ इसमें से कौन सा लाभदायक नहीं है। जहां तक मैं जानता हूं इसमें सभी लाभदायक होते हैं। अगर दोस्तों मधुमक्खी लाभदायक तो हमारे लिए है, लेकिन कभी कभी ये काट लेती, जब ये काटती है ना तो बहुत दर्द होता है, इसलिए मैं कहता हूं यार ये तो लाभदायक नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें इसके हिसाब से नहीं मारना है दोस्तों। यहाँ क्या है, टर्माइट दोस्तों, जो टर्माइट होता है, दीमक, ये सामाजिक, चारों क्या है, सामाजिक कीट है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ दीमक है ना, टर्माइट, ये हमारे कपड़ों को खाता है, लकड़ियों में छेद कर देता है, ये हमारे लिए हार्मफुल इंसेक्ट होगा दोस्तों। इसका नाम कई बार पूछा गया है, तो आप इसका नाम मुझे आंसर करेंगे दोस्त, यहां पर दीमक सही आंसर है। 56 पर आते हैं, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि हम कैसे पहुंचा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मैक्सिमम डैमेज टू अ ट्री, किसी ट्री को हम अधिकतम डैमेज कैसे कर सकते हैं। उसकी पत्तियों में से आधी पत्तियों का नाश कर दे, सभी पत्तियों का नाश कर दे, उसकी शाखाओं को, उसकी शाखाओं को काट दे या उसकी छाल को नाश, शाखाओं का नाश करें दो नाश। अब ये कोई देखिए वृक्ष है, आप क्या करोगे, अगर इसकी सारी पत्तियां तोड़ दोगे तो क्या ये वृक्ष जीवित रहेगा, या अगर इसकी छाल को आप छील देंगे तो क्या जीवित रहेगा, बताओ बताओ, देखता हूं मैं आप लोग क्या बोलते हो। अरे वाह, सभी के आंसर सही दोस्त, यहां कहेंगे डी वाला, क्योंकि आप जानते हैं जो इसकी छाल होती है, इसकी छाल से ही जो पानी होता है और खनिज होता है या भोजन होता है, ये ऊपर चढ़ता है नीचे की ओर आता है, तो छाल इंपोर्ट। अगर छाल को छील देंगे तो प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा, वो सूख जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन ऐसा करना मत, ऐसा करना मत आप, वो सूख जाता है, ठीक है ना। चलिए 57 पर आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रोटीन नहीं है, कौन सी प्रोटीन
संरचनात्मक नहीं है। दोस्त यहां देखिए अल्फा कीरेटिन, तो भैया इससे बाल बनता है, इससे नाखून बनता है, इसका मतलब रचना कर रही है। दोस्तों कोलेजन, इससे क्या बनता है, इससे लिगामेंट बनता है। दोस्तों लिगामेंट बनेगा, हड्डियां बनती है, इसका मतलब यह भी निर्माण करती है। दोस्तों इलास्टिन, दोस्तों इससे भी क्या बनता है, इससे लिगामेंट, दोस्तों इससे भी बनता है, तो कहेंगे यह भी निर्माण कर रही दोस्त। लेकिन जो थ्रोम्बिन होती है यह रक्त को जमाती है, रक्त जमाने वाली, तो कहेंगे यही क्या है, किसी चीज का निर्माण नहीं करेगी बल्कि डिफेंसिव होती है दोस्त। तो डिफेंसिव होती है, तो डी आंसर सही है। 58 पर आते हैं, किसने सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किया? दोस्तों किसने सबसे पहले पेसमेकर का आविष्कार किया? क्वेश्चन आसान है, इसका आंसर आप दीजिए। जाइलम और फ्लोएम नहीं पहुंच पाता, जी हां बहुत बढ़िया दोस्त, बताओ किसने पेसमेकर दोस्तों आविष्कार किया है, चलिए आंसर दीजिए। दोस्तों पहला कह रहा है यहां पर विलियम एंथोवेन, दोस्त कहेंगे यहां पर ईसीजी की खोज किया दोस्त। वॉन बेस ने क्या किया था, स्फिग्नोमैनोमीटर। दोस्तों यहां जॉन हॉप्स आपका राइट आंसर दोस्तों। क्रिश्चियन बर्नार्ड कहेंगे पहली ओपन हार्ट सर्जरी, ठीक है दोस्तों, ओपन हार्ट सर्जरी इसने की हुई थी, तो यहां आपका सी आंसर सही आंसर दोस्तों। कहेंगे यहां पर जॉन हॉप्स ने पेसमेकर का आविष्कार किया है। पेसमेकर हृदय की धड़कन को चालू करता है। पत्थरों पर लिखावट पढ़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? दोस्तों पत्थरों पर लिखावट का मतलब होता है शिलालेख, शिलालेख पर जो लिखा होता है वह हम कैसे जानेंगे? सिस्मोग्राफ, भैया इससे भूकंप की रीडिंग आती है। बहुत लोग कहते हैं भूकंप मापी यंत्र, नहीं भैया, जो भूकंप की रीडिंग दोस्तों आती है वह इससे आती है, भूकंप की रीडिंग। होलोग्राफ, भैया जो 3D इमेज होता है दोस्तों, 3D इमेज देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एपिग्राफ, यही क्या होता है, शिलालेखों पर जो लिखावट होती है वह कितनी पुरानी है हम इसको जानते हैं। पॉलीग्राफ, भैया ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र। दोस्तों अगर आज सबके पास पॉलीग्राफ होते तो न जाने कितने दिल आज बेनकाब होते। जो पॉलीग्राफ होता है यह है लाई डिटेक्टर, इससे झूठ का पता लगाते हैं, ठीक है दोस्त। कहेंगे यहां पर देखिए आपके जो सही आंसर होंगे वह है एपिग्राफ, ठीक है ना। हाँ तो पॉलीग्राफ अच्छा है कि बैन है, नहीं तो सबका भेद खुल जाता। अम्ली पदार्थ वह होते हैं जो अपने जली विलयन में घुल करके निम्न प्रक्रिया देते हैं। दोस्तों मैंने कहा था अनिल, आ से अम्ल, नी से नीला और ला से लाल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यहां पर ए सही है। मिथाइल ऑरेंज को भी लाल करेगा दोस्तों, यहां पर बी भी सही है, तो कहेंगे इनमें दोनों सही है, यानी सी सही है। और जो अम्ल होता है स्वाद में कैसा खट्टा, पीएच स्केल पर 0 से 7 दिखता है दोस्तों, और क्षार से क्रिया करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा दोस्तों, जल उत्पन्न करेगा, यहां कहेंगे सी आंसर सही आंसर है। तो इतने देर तक सहयोग करने के लिए आप लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस भ्रम को निकाल दो मन से कि परीक्षा नहीं होगी सुपर टेट की। ये बताओ आज हमारा देश अपने सीमा की सुरक्षा के लिए इतना पैसा खर्च करता है, अगर हम लोग ऐसे हो जाएं कि सब कुछ बंद कर दे, बॉर्डर पर सिक्योरिटी हटा दे, ये कहें कि जब दुश्मन अटैक करेगा तो देखा जाएगा। मान लो अभी आपको सेना की कमान दे दी जाए और आप क्या करें, दुश्मन अटैक कर रहा है और अभी आपके घर में गोला बारूद बन रहा है तो दुश्मन छोड़ेगा? आप गोला बारूद बनाते रह जाओगे, दुश्मन मारेगा उड़ जाओगे, वही इस समय आपकी स्थिति है। आप सोचते हो वैकेंसी जिस दिन से आएगी उस दिन से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गलत सोचते हैं। वैकेंसी आएगी तब पढ़ोगे, तब तो वैकेंसी आकर चली जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे। वही कह रहा हूं कि अगर दुश्मन अटैक करेगा तब आप गोला बंदूक बनाएंगे फैक्ट्री में, दुश्मन आएगा मारेगा उड़ जाओगे तुरंत। इससे मतलब यही कि पहले ही गोला बारूद बना करके तैयार कर लो, पूरा बॉर्डर पर लगा दो सब कुछ, ताकि दुश्मन का अटैक हो, दुश्मन एक गोली मारे तुम 10 गोली मारो, मतलब इतनी तैयारी कर लो अगर एग्जाम हो जाए ना तो मारो तहस नहस कर डालो क्वेश्चन को,
और 130 प्लस लेकर के आओ। इसलिए कह रहा हूं तैयारी पूरी कर लीजिए आप लोग, ये मत सोचिए कि नहीं परीक्षा नहीं होगी। इतिहास अपने आप को दोहराता है, बाकी बाबा जाने, मन की बात कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। तो आज इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।